हो गया, गेस्ट पेपर दिए हैं, दिन पे एक बार शेयर कर देना भाई। गुड इवनिंग भाई, हम लोग को सवाल नंबर ऑब्जेक्टिव का गेस्ट पेपर का ऑब्जेक्टिव हो रहा था, गेस्ट पेपर का ऑब्जेक्टिव में हम लोग का 150 नंबर तक सवाल हो गया है ना। यस सर, 150 नंबर तक सवाल हो गया है, आगे हम लोग करेंगे, आगे कर लेंगे। कल भी क्लास होगा 10 से 2 चार घंटा में हम लोग का पूरे फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। देखना 190, देखना 149 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, 149 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, कहता क्या, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए, यांत्रिक ऊर्जा के मतलब क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी को, अभी कह रहा विद्युत ऊर्जा के मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी में जो बदलता है, याद रखना मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में बदलता है वो बदलता है एसी डायनमो, याद रख लेना भाई एसी डायनमो। उसके बाद एसी डायनमो हो जाएगा गुड भी। उसके बाद 148 नंबर सवाल में आता है, 148 नंबर सवाल में आता है कि एंटीना क्या है, तो एंटीना एक तरीका सा प्रेरणिक प्रतिघात है, याद रखना एंटीना एक तरीका का क्या है, प्रेरणिक प्रतिघात है। 147 नंबर सवाल अब नहीं पूछता है लेकिन फिर भी आप याद रख लेना। अब कहता प्रकाश विद्युत प्रभाव के मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन दिया था, आइंस्टीन दिया था। एक्सरे जो किया था वो कौन किया था, रोटगन किया था। रेडियो एक्टिविटी की बात करेंगे तो रेडियो एक्टिविटी जो चला जाएगा वो रदरफोर्ड के पास चला जाएगा। ये सवाल नहीं पूछा जाता, पहले पूछा जाता था, देख लेना भाई। अभी 146 में क्या कह रहा है कि एलआरसी की बात कर रहा है, एलआरसी सर्किट में ओमेगा कोणीय आवृत्ति हमें पहले से पता था, तो कहता शिखर मान महत्तम होगा। अभी आई जो होगा उसे क्या करना है, मैक्सिमम। ये कब होता है, आई जो होगा मैक्सिमम करना है, तब मैक्सिमम कब होगा, जैसे देखना इधर मेरा क्या होगा आर, उधर ऊपर मेरा क्या हो जाता है एक्ससी, और नीचे मेरा क्या होगा एक्सएल, यही हो जाता है ना। अब ये बताइए कि आई बराबर जो फॉर्मूला होगा भी बटा कितना होगा जेड ने, आई बराबर फॉर्मूला क्या होगा भी बटा जेड ने। अब ये बताइए आई को सबसे ज्यादा करना है तो जेड को क्या करना होगा, सबसे कम तभी होगा जब एक्स सी या एक्सएल दोनों आपस में क्या होगा बराबर, तब ना ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, सिर्फ और सिर्फ कौन बचेगा रेजिस्टेंस प्रतिरोध है। तो ये आई करेंट मैक्सिमम तभी होगा जब जेड नेट मेरा मिनिमम होगा, और मिनिमम तभी होगा जब एक्स सी बराबर होगा किसका एक्सएल का, एक्सएल के जगह पर 1 बटा कितना ओमेगा सी, और एक्सएल के जगह पर ओमेगा गुना एल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1 बटा कितना एल सी, इसलिए जब ओमेगा निकालेंगे तो अंडर रूट में 1 बटा कितना एल सी, या 1 बटा अंडर रूट में कितना हो जाएगा 1 बटा अंडर रूट में कितना होगा एल सी। सी ऑप्शन हो जाएगा, बहुत अच्छे। उसके बाद देखना एक
नेक्स्ट हम लोग का 146 में क्या कह रहा है कि प्रकाश वर्ष की मतलब प्रकाश वर्ष की बात करेंगे तब प्रकाश वर्ष से किसे मापा जाता है? लाइट ईयर से टाइम को नहीं मापा जाएगा, याद रखना। लाइट ईयर से डिस्टेंस को मापा जाता है। लाइट ईयर से किसको मापा जाएगा? डिस्टेंस को। उसके बाद 144 नंबर सवाल में कहता है इनमें से कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ज्यादा तरंग दैर्ध्य रखता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ज्यादा तरंग दैर्ध्य, यानी कि वेवलेंथ क्या रखेगा? ज्यादा। अगर वेवलेंथ ज्यादा रखेगा तो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है एससी बटा कितना? लैम्डा। तो बताइए कि लैम्डा ज्यादा होने का मतलब एनर्जी क्या होगा? कम। और एनर्जी कम उसी का होता है जो माइक्रोवेव होता है। एनर्जी कम उसी का होता है जो क्या होगा? माइक्रोवेव। माइक्रोवेव के मतलब माइक्रो तरंग है। माइक्रो तरंग है। मेरा ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। 143 हो गया। 143 नंबर सवाल में कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है विद्युतीय चुंबकीय तरंग का स्पीड बताना, स्पीड के मतलब चार्ज। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युतीय चुंबकीय तरंग है, एक तरीका का लाइट है ना। लाइट के मतलब क्या होगा? प्रकाश है। अगर प्रकाश रहेगा तब बताओ इसका स्पीड क्या होगा? तो इसका स्पीड होगा 3×10^8 है, मीटर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में बोलेंगे तो कितना? 3×10^8 है। लेकिन अगर किलोमीटर पर सेकेंड में बोलेंगे तो मीटर से किलोमीटर में बदलने के लिए 10^3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 10^5 किलोमीटर पर सेकेंड। आप देखिएगा कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड बोलेगा तो मीटर पर सेकंड में बोलेगा तो 3×10^8 करिएगा, और किलोमीटर पर सेकंड में बोलेगा तो 3×10^5 बोलिएगा। आगे देख लेना। उसके बाद देखना, कहता एल आर सी परिपथ उत्पन्न होता है। अभी बताए थे एल आर सी परिपथ उत्पन्न होता है, ये कब उत्पन्न होगा? जब एक्स सी बराबर होगा किसका? एक्सेल का। एक्सी के जगह पर 1/ कितना? ओमेगा सी, और एक्सेल के जगह पर ओमेगा गुना कितना? एल। ये दोनों पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन दोनों तो सेम ही है। उसके बाद दूसरा नेक्स्ट नंबर 141 नंबर सवाल में क्या कह रहा है एल आर सी में शक्ति गुणांक के मतलब पावर फैक्टर, याद रखना। पावर फैक्टर के मतलब शक्ति गुणांक में क्या होगा? कॉस फाई, और कॉस फाई बराबर क्या होगा? R बटा कितना जेड नेट। कोई है ऑप्शन क्या? R/Z पहला ऑप्शन। कभी कभी तो डायरेक्ट देगा पावर फैक्टर किसे कहते हैं? साइन फाई को कि कॉस फाई को? तो याद रखना कॉस फाई। गुड। आगे कल का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। हम लोग का 10 बजे से क्लास है, 10 से 2, 4 घंटा में हम लोग पूरे 2 घंटा पहले ऑब्जेक्टिव के लिए करेंगे और 2 घंटा हम लोग सब्जेक्टिव के लिए करेंगे। कल का क्लास बस देखना है। उसके बाद देखना है चुंबकीय फ्लक्स के मतलब क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स किसका व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो व्युत्क्रमानुपाती के मतलब इनवर्स ने ना। तो चुंबकीय फ्लक्स को कौन से? फाई से। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई का फॉर्मूला क्या होगा? बी डॉट कितना? एस। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहता तो फॉर्मूला क्या होगा? E डॉट कितना? S है। लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स है तो B डॉट कितना? S है। अब ये बताओ, ये भी कह सकते हैं यहाँ पर B डॉट S ही है तो नंबर ऑफ टर्न कुछ नहीं होगा तो फेरों की संख्या कितना होगा? 1 होगा। तो यहाँ पर अगर इसको ये भी कह सकते हैं कि फ्लक्स बराबर N गुना B डॉट कितना? S है। ये नंबर ऑफ टर्न्स का क्या हो? नंबर ऑफ टर्न N मेरा क्या होगा? नंबर ऑफ टर्न्स है, यानी कि फेरों की संख्या। तो यहाँ पर क्या होगा? फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? एन का। फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? बी का। और फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? एक्स का। सब का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कोई है कि नहीं है? नहीं है। तो जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल कोई नहीं है तो मेरा आंसर क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स दे रहा था, गलत है। चुंबकीय फ्लक्स डायरेक्टली है ना, इसमें आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। किसी का इनवर्स नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स किसी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, सारा का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लाइव क्लास ही रहेगा सर। उसके बाद
139 नंबर सवाल भी करता है, एसी परिपथ का शक्ति गुणांक मापा जाता है, तो एसी परिपथ का शक्ति गुणांक तभी मापेंगे जब मेरा क्या होगा, सर्किट में एनर्जी का लॉस होगा, सर्किट में एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा, एनर्जी का लॉस है यानी कि परिपथ में शक्ति ह्रास होगा। 139 नंबर का बी हो जाएगा। देखिएगा 138 नंबर इसी पर बन जाएगा, इसी पर सवाल था। 138 में क्या कह रहा है, कुंडली के संदर्भ में चुंबकीय फ्लक्स और क्षेत्रफल, कुंडली के संदर्भ में यानी कि चुंबकीय फ्लक्स से मैग्नेटिक फ्लक्स और क्षेत्रफल कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कि इनवर्सली का, डायरेक्टली का। तो देखिए तो फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एस का कि एस स्क्वायर का, पहला ऑप्शन है एस, दूसरा ऑप्शन है एस स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला हो जाएगा। उसके बाद 140 का ये नहीं होगा भाई, 140 का ये नहीं होगा, गेस पेपर जो देता है उसमें नहीं केयर किया करें, जो मैं बता रहा हूं यहां पर जो बता रहा हूं उसको केयर करना, उसमें कुछ कुछ गलत भी है, आगे देख लेना। उसके बाद देखना कहता है ट्रांसफार्मर किस से, देखना 136 नंबर सवाल में कहता है, 137 नंबर, 137 नंबर सवाल में कहता है कि कब कहता है मैग्नेटिक फ्लक्स से कुंडली के फेरों की संख्या का, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो नंबर ऑफ टर्न्स का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा। उसके बाद 136 नंबर सवाल में कहता है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो याद रखना म्यूचुअल इंडक्शन पर, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो याद रखना म्यूचुअल इंडक्शन पर। उसके बाद इनमें से कौन सा ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन को बढ़ाता है, स्टेप डाउन को बढ़ाता है, आपको मैं बताया था कि देखना एक प्राइमरी कॉइल होता है क्या होगा सेकेंडरी, तो सेकेंडरी प्राइमरी सेके, अगर देखना कि अगर स्टेप अप रहेगा तो इसका वैल्यू एक से क्या होगा बड़ा, अगर स्टेप डाउन रहेगा तो एक से क्या होगा छोटा, तो ये किसको बढ़ाता है, करेंट को, अगर स्टेप अप रहेगा तो ये करेंट को क्या करता है बढ़ाता है, करेंट को क्या करता है बढ़ाता है, बाकी सबको घटा देगा, ये तो बहुत बार सवाल आया था, देख लेना भाई आगे, आगे देख लो। उसके बाद देखना ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, 134 नंबर सवाल को देखना, कहता है क्या, कहता यंग, अब कहता यंग्स के दियो रेखा छिद्र यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, अब कहता है स्लिट के बीच का अंतराल को आधा कर दिया जाए, आपको मैं बताया था कि यहाँ पर सोर्स हो जाएगा और यहाँ पर दो वो क्या कर लेते हैं स्लिट कर लेते हैं, स्लिट एस वन और स्लिट एस टू, और यहाँ पर स्क्रीन लगा देते हैं ना, अब ये दोनों दोनों स्लिटों का बीच का डिस्टेंस कितना है डी है और इसका बीच का दूरी कैपिटल डी होगा ना, तो कहता है दोनों स्लिटों का बीच का दूरी पहले से आधा कर दिया जाए, आधा के मतलब d by कितना 2 कर दिया जाए, और कहता है पर्दे के बीच का दूरी को दुगना यानी कि पर्दा स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस यानी कि कैपिटल d को क्या करेगा दुगना, तो कैपिटल d को दुगना करेगा तो 2d हो जाएगा ना, तो अब कहता है दुगना करने पर फ्रिंज की चौड़ाई यानी कि फ्रिंज विड्थ कितना होगा हमको नहीं पता, पहले अगर पहले दोनों स्लिटों का बीच का दूरी d रखते हैं और स्लिट और स्क्रीन का बीच का दूरी अगर कैपिटल d रखते हैं तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होगा लैम्डा कैपिटल d बटा कितना स्मॉल d, अब क्या करते हैं नया फ्रिंज विड्थ क्या होगा जब दोनों स्लिटों का बीच का दूरी को आधा कर दिया गया है और स्लिट और स्क्रीन का बीच का दूरी को डबल कर दिया गया है, तो नया फ्रिंज विड्थ तो लैम्डा, लैम्डा में तो कोई परिवर्तन है, अब ये कैपिटल d, कैपिटल d स्लिट और स्क्रीन के बीच का दूरी को डबल ना तो डबल कर देगा तो कितना 2d और बटा, अब इस स्लिट दोनों स्लिट का बीच का दूरी आधा, आधा के मतलब d by कितना 2, 2 कहां चला जाएगा ऊपर, अगर ऊपर चला जाएगा तो ओमेगा डैश कितना हो जाएगा 4 लैम्डा कैपिटल d बटा स्मॉल d, ओमेगा डैश बराबर 4 और लैम्डा कैपिटल d बटा स्मॉल d को क्या करेंगे ओमेगा, यानी कि पुराना जो नया जो फ्रिंज विड्थ आया पुराने फ्रिंज विड्थ का कितना गुना हो गया 4 गुना,
पुराने फ्रिज बिल का कितना गुना होगा? चार गुना। यहाँ पर ऑप्शन दे रहा था वही रहेगा कि आधा हो जाएगी कि दुगना हो जाएगा कि चार गुना हो जाएगा। इस आप स्क्रीनशॉट कर लेना भाई, इस पर सवाल आता ही आता है, इस पर सवाल आता ही आता है। इसे स्क्रीनशॉट कर लेना, एक बार रिप्लाई कर देना स्क्रीनशॉट करके। रिप्लाई कर देना भाई। इस पर सवाल आता ही आता है। चलिए आगे देखना, आगे हम लोग का 133 नंबर सवाल में कह रहा है क्या कहता, एक हेनरी बराबर पूछ रहा है, एक हेनरी बराबर कितना होगा? बेबर बटा एम्पियर होगा कि बेबर बटा वोल्ट होगा कि बेबर एक गुना एम्पियर होगा? हेनरी। आप लोग को मैं क्या बताया था कि फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? करंट का। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट, द कांस्टेंट किसका उपयोग किए थे? एल। द एल गुना कितना? आई। अब हेनरी किसका यूनिट होता है? सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन के मतलब क्या होगा? स्वप्रेरण का। द एल बराबर फ्लक्स बटा कितना? आई। इधर देखिए हेनरी आ गया, यानी कि एक हेनरी बराबर ऊपर में क्या होगा? फ्लक्स है। फ्लक्स का यूनिट में क्या बताया था? फ्लक्स बराबर B डॉट कितना? S। B मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, तो क्या होगा? टेस्ला। S मेरा एरिया है, तो क्या होगा? मीटर स्क्वायर, या तो टेस्ला मीटर स्क्वायर बोलो, अने तो स्टैंडर्ड यूनिट में क्या बोला था? बेबर। तो ऊपर में क्या होगा? बेबर, और नीचे में क्या है? करंट है, तो करंट का क्या होगा? एम्पियर। बेबर बटा एम्पियर, एक हेनरी बराबर कितना हो जाएगा? बेबर बटा क्या होगा? एम्पियर। बेबर नहीं होगा भाई, बेबर बटा एम्पियर होगा। बेबर तो मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि चुंबकीय फ्लक्स का ही होता है। आगे देख लेना 132 नंबर सवाल में, देखना 132 नंबर सवाल में कहता है क्या कि कहता दो काला संबंध एक बर्नी प्रकाश पुंज, यानी कि एक बर्नी प्रकाश पुंज का इंटेंसिटी देवल है, इंटेंसिटी का अनुपात देवल है, आई वन और आई टू का जो अनुपात है वो 4:1 कितना है? 1 है। तो कहता एक दूसरे पर अध्यारोपित करता, यानी कि सुपर पोजिशन करता है, तो हमें निकालना है मैक्सिमम इंटेंसिटी और क्या निकालना है? मिनिमम इंटेंसिटी का अनुपात। मिनिमम इंटेंसिटी का क्या चाहिए? अनुपात। आप लोग को याद है कि जब दो इंटेंसिटी दिया हुआ रहता है, जब दो इंटेंसिटी दिया हुआ रहता है तब मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हुआ था याद है? अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू का क्या होगा? प्लस। मिनिमम में क्या हुआ था? अंडर रूट आई वन माइनस अंडर रूट आई टू का क्या होगा? होल स्क्वायर। अगर एम्पलीट्यूड रहा था तो क्या होता? ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पर नीचे में क्या होता? ए वन माइनस ए टू का कितना? होल स्क्वायर। लेकिन इंटेंसिटी है यानी कि तीव्रता है, तो क्या हो जाएगा इसको? अब बताओ अंदर रूट पहला का इंटेंसिटी कितना? 4। तो यहाँ पर डायरेक्ट करें आई वन के जगह पर 4, तो 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना? 2। फिर प्लस है आई टू के जगह पर कितना? 1 है, 1 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 है, इसका क्या होगा? होल स्क्वायर। और बेटा आई वन, आई वन कितना? 4, 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 2, आई टू 1, 1 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 1, इसका भी होल स्क्वायर। 2 × 1 कितना? 3, तो 3 दिया कितना? 9, और 2 में से 1 दिया तो 1 है, 1 का स्क्वायर तो 1 है, यानी कि 9:1 कितना? 1। ये अच्छा कंसेप्ट है भाई, इसको ध्यान देना थोड़ा सा। इंटेंसिटी, अगर इंटेंसिटी तीव्रता मैक्सिमम कहेगा महत्तम कहेगा तो अंदर रूट आई वन प्लस अंदर रूट आई टू का होल स्क्वायर, अगर मिनिमम कहेगा तो अंदर रूट आई वन माइनस अंदर रूट आई टू का होल स्क्वायर। 9:1 इसे स्क्रीनशॉट करना होगा तो कर लेना भाई फास्ट। स्क्रीनशॉट करना होगा तो कर लेना, करके हमें रिप्लाई कर देना।
चलिए आगे देख लेना, आगे आप देख लो। सवाल नंबर देखना, सवाल नंबर 131 में कह रहा है का क्या कि आसमान का रंग नीला दिखने का कारण, कल ही बता रहे थे कि आसमान का रंग जो नीला दिखता है वो स्कैटरिंग के कारण, क्योंकि देखना ऊपर से जो लाइट क्या हो रहा था, आ रहा था यहाँ पर एटमोस्फेयर का ना, यानी कि क्या था, वायुमंडल से क्या हुआ था, स्कैटरिंग होने के कारण, परिकीर्णन होने के कारण यहाँ पर कलर आया था कि कलर नहीं आया था, कलर आया था। तो अगर ये कल के क्लास में क्या था कि ये वायुमंडल की अनुपस्थिति में, यानी कि ये नहीं रहेगा तो कौन सा कलर आएगा, कोई कलर ही नहीं बनेगा। जब नहीं बनेगा तो आंसर क्या हुआ था, ब्लैक है। ये जो कलर बनाता है वो किसके कारण बनाता है, स्कैटरिंग के मतलब परिकीर्णन के कारण। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, परिकीर्णन हो जाएगा। उसके बाद आगे देख लेना, 130 नंबर सवाल में देखना, 130 नंबर सवाल में कहता एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चलता हुआ वस्तु का त्रिज्या, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें क्या करेगा कि कोई चार्ज पार्टिकल क्या होगा, चलेगा। तो याद है कैसे चलेगा, सर्कुलर पथ, वृत्ताकार पथ का चलेगा। तो इसका त्रिज्या, रेडियस का फॉर्मूला क्या हुआ था, आर बराबर एम भी बटा कितना, क्यू भी। तो यही कह रहा है क्या कि कहता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चलता हुआ वस्तु का त्रिज्या समानुपाती होगा, किसका समानुपाती होगा, तो आर बराबर एम भी बटा क्यू भी, और एम भी को हम मोमेंटम संवेग बोलेंगे ना, तो संवेग बोलेंगे, तो आर बराबर पी बटा कितना क्यू भी। तो ये किसका, ऊपर में जो रहेगा सीधा समानुपाती और नीचे में जो रहेगा व्युत्क्रमानुपाती। तो पहला में कह रहा है आवेश का सीधा समानुपाती है, नहीं, आवेश का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। संवेग का सीधा है, हाँ, मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये संवेग का त्रिज्या जो होगा वो संवेग का क्या है, सीधा समानुपाती है। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप इसे स्क्रीनशॉट कर लेने, कुछ अच्छा सवाल आता है उसे यार स्क्रीनशॉट कर लेना, देखने में बाद में आप अगर याद कर रहे होंगे तो वहां पर हिंट मिलेगा कि क्यों ऐसा आंसर हुआ। आप इसे स्क्रीनशॉट कर लेना भाई। चलिए उसके बाद देखना 129 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, कहता प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति पुष्टि करता है। ये पीछे वाला सवाल ही हो गया, पोलराइजेशन के कारण। पोलराइजेशन का हिंदी में क्या बोलते हैं, ध्रुवन के कारण। 129 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 128 नंबर सवाल को देखना, कहता है अर्धवृत्ताकार तार, यानी कि कोई सेमी सर्कल है, यदि इसका रेडियस कितना है, आर है, इसका रेडियस कितना आर है, और इससे कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, आई धारा प्रवाहित हो रहा है, तब इसके केंद्र पर प्रति एकांक बल क्या होगा, तब इसके केंद्र पर प्रति एकांक बल, यानी कि फोर्स पर यूनिट लेंथ, ऊपर में फोर्स रहेगा और नीचे में क्या होगा, लेंथ रहेगा। ऊपर में फोर्स रहेगा और नीचे में क्या होगा, लेंथ रहेगा। अब ऊपर में फोर्स रहेगा, नीचे में लेंथ रहेगा। उसके बाद देखना, देखिएगा यहां से, सबसे पहले तो अगर सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल के लिए मैं एक रिलेशन बताया था, याद होगा कि अगर देखना कि ये कोई सर्कुलर आर्क है, यानी कि वृत्ताकार चाप है, अगर यहां पर कोण थीटा बनाता है तो इसका केंद्र पर जो मैग्नेटिक फील्ड आया था, याद है, मीनो टाई बटा 4πr और गुना में कितना, थीटा। मीनो टाई बटा 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर बोल दिया कि सर्कल के चलते सर्कल के केंद्र पर, द्वीप के केंद्र पर मैग्नेटिक फील्ड बता दो, तो मीनो टाई बटा 4πr और थीटा के जगह पर कितना होगा, सर्कल है तो कितना, 2π। अगर सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त है तो क्या हो जाएगा, इसके केंद्र पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना, मी नॉट आई और बटा में 4πr अगुना थीटा। तो बताओ सेमी सर्कल है तो थीटा के जगह पर पाई से 2π ने पाई को क्या किया, मार दिया, यानी कि मी नॉट आई बटा कितना हो जाएगा, 4r। अब यहां से देखना, हमें फोर्स पर यूनिट लेंथ है, यानी कि बल प्रति एकांक लंबाई पूछा है, तो हमें पता है कि धारा प्रवाहित चालकीय तार के कारण F का फॉर्मूला I L गुना B होगा ना,
एल इधर गुना में इधर जाएगा तो भागा, तो एक बटा एल बराबर आई गुना कितना बी। आप ये बता दो कितना करंट पास कर रहा है, तो आई करंट आई, और बी का भी वैल्यू पता है कि सेमी सर्कल अर्धवृत्त के केंद्र पर जो जो अर्धवृत्त के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र आया है वो कितना, मी नॉट आई और बटा में कितना 4R, यानी कि फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा मी नॉट आई गुना आई तो कितना आई स्क्वायर और बटा में 4R। मी नॉट आई स्क्वायर बटा 4R गुड। अगर कोई बच्चा को डॉट फुल आ रहा होगा तो जब भी कोई सवाल को मैं अगर एक्सप्लेन कर रहा हूं तो उसे आप स्क्रीनशॉट कर लें ताकि याद करने में ज्यादा सुविधा होगा और समझ भी लेंगे क्या क्या हो रहा है। आगे देख लेना, ये स्क्रीनशॉट कर लेना भाई, आगे देख लो। आगे 127 नंबर सवाल में देखना, आप 127 नंबर सवाल में कहता है निर्वात में दो समानांतर तार के बीच, अगर दो समानांतर तार है इसका बीच का जो दूरी है कितना है 1 मीटर, इसका बीच का दूरी कितना 1 मीटर, और इसके बीच का बल, इसके बीच में जो बल लगता है वो 2 × 10⁻⁻⁷ में कितना 7 न्यूटन लगता है, तब उस तार से कितना धारा प्रवाहित हो रहा है या इस तार से ये दोनों तार से कितना धारा प्रवाहित होगा। तो मैं बताया था कि अगर दो तार अगर एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होता, कल भी बता रहा था ऑब्जेक्टिव में, अगर एक ही दिशा में प्रवाहित हो रहा है तो आकर्षित करेगा और विपरीत दिशा में क्या करेगा विकर्षित। और यहाँ से याद है यहाँ पर छोटा सा लेंथ कोई कितना काटे थे dl, और मेरे पास फॉर्मूला आया था df बटा dl बराबर मी नॉट i1 गुना i2 और बटा में 2π कितना d, यही था ना। हमें यही देखना, अब ये फोर्थ देखना, हमें कह रहा है क्या कि df बटा, हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को कहता कितना धारा प्रवाहित होगा, तो कितना धारा प्रवाहित होगा तो ये दूरी कह रहा 1 मीटर, तो देखना df, अब अभी df बटा कितना dl बराबर मी नॉट, अब दोनों में धारा क्या होगा सेम होगा, तो यहां भी आई है यहां भी आई है, तो आई गुना आई तो कितना आई स्क्वायर और बटा में 2π कितना d। अपना मन से 2 से गुना करेंगे 2 से भागा कर लेंगे, क्यों करेंगे ऐसा देख लेना df बटा dl बराबर कितना, तो यहां पर 2 मी नॉट आई स्क्वायर और बटा में 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 4π d, इसलिए किए क्योंकि मी नॉट बटा 4π का मान हमें पता है, मी नॉट बटा 4π का मान हमें पता है 10⁻⁷ कितना -7, और df बटा dl का मान दे रखा है कितना 2 × 10⁻⁷ कितना -7, अब बराबर 2 गुना, अब मी नॉट बटा 4π का मान हम लोग को पता है 10⁻⁷ होता है, और यहां से आई स्क्वायर तो निकालना है और बटा d का मान दोनों तारों का बीच का दूरी कितना है 1 है, 1 को लिखा नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं, 2 × 10⁻⁷ से 2 × 10⁻⁷ क्या हो जाता है कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते तो आई स्क्वायर का मान कितना 1, इसलिए आई का मान कितना होगा 1 m, अंदर रूट 1 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 ही आएगा 1 m आ जाएगा। आप इसे स्क्रीनशॉट कर लें, कभी कभी तो डायरेक्ट पूछेगा सवाल भाई कि फोर्स पर यूनिट लेंथ बता दो, बल प्रति एकांक लंबाई बता दो, तो कितना हो जाएगा मी नॉट I1 गुना I2 बटा 2π d। अगर दो तार समानांतर है, दोनों अगर एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रहा है तो आकर्षित होगा, और विपरीत दिशा में कह रहा है तो विकर्षित हो जाएगा। कल 10 से 4 नहीं है भाई, 10 से 2 है, 4 घंटा में पूरे सवाल हो जाएंगे। हम लोग का ऑब्जेक्टिव भी हम लोग अलग अलग कुछ निकाले हैं, ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा और सब्जेक्टिव भी हो जाएगा, आप इसको अच्छे तरीके से कर लेना और कल इनको भी शेयर कर देना। आगे देख लेना
कहता सेल का विभवांतर बल मापा जाता है। सेल का विभवांतर बल आपको याद है, विभवांतर बल में क्या होगा? सेल का विभवांतर बल में विभवांतर बल किसके द्वारा मापा जाता है? तो याद रखना विभव मापी के द्वारा। विभव मापी क्या है? विभव मापी की सहायता से हम लोग सेल को क्या करते हैं, ईएमएफ को मापते हैं। ईएमएफ के मतलब विद्युत वाहक बल को ना। विभव मापी, विभव मापी को इंग्लिश में बोलेंगे पोटेंशियोमीटर। उसके बाद देखना 125 नंबर सवाल में कहता है कंडक्टेंस बैंड, कंडक्टेंस बैंड देखना, एक वायलेंस बैंड मैंने पढ़ाया था और एक कंडक्टेंस बैंड मैंने पढ़ाया था। तब वायलेंस बैंड में एनर्जी ऊर्जा कम होता है और कंडक्टेंस बैंड में ऊर्जा क्या होगा, ज्यादा होता है। और इसे जो भरा जाता है, अभी वायलेंस बैंड देखना, कंडक्टेंस बैंड की बात करेंगे तो कंडक्टेंस बैंड को जो भरा जाता है वो कुचालक से, कुचालक के मतलब क्या होगा, अचालक में, ये ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद याद रखना पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में संधि डायोड का व्यवहार करता, दो डायोड। पूर्ण तरंग के मतलब क्या होगा, पूर्ण तरंग के मतलब यही ना, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, आधा पॉजिटिव तो आधा निगेटिव, आधा पॉजिटिव तो आधा क्या होगा, निगेटिव। तो कितना डायोड का, आधा के लिए पॉजिटिव और आधा के लिए क्या होगा, निगेटिव। तो कितना डायोड का उपयोग किया जाएगा, दो डायोड। आगे देख लेना। उसके बाद एक सवाल 123 नंबर सवाल में कह रहा है n प्रकार अर्धचालक। देखिएगा आप लोग का ऐसा सवाल पूछेगा कि n टाइप सेमीकंडक्टर में, n टाइप सेमीकंडक्टर में किसको मिलाया जाता है, ट्राइवैलेंट को मिलाया जाएगा कि पेंटावैलेंट को, पेंटावैलेंट को किसको मिलाया जाएगा, पेंटावैलेंट को। अब ये पेंटावैलेंट में कौन होगा, याद रखना ये सवाल आपसे पूछेगा नहीं, अगर पूछ दिया तो पेंटावैलेंट में एंटीमनी आएगा, पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट में एंटीमनी आएगा। उसके बाद देखना आगे कहता है शुद्ध अर्धचालक पर परम शुद्ध, अब कहता है शुद्ध है, शुद्ध अर्धचालक है यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर पर क्या होगा, परम शून्य ताप है यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। तो अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर से प्योर सेमीकंडक्टर को देखिएगा ना, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर प्योर सेमीकंडक्टर को देखिएगा तो इससे कोई करंट पास नहीं, देखना अगर ऐसे सेमीकंडक्टर है तो इससे करंट पास करेगा, लेकिन अगर आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर देखेगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर देखेगा तो जो सेमीकंडक्टर है वो करंट पास नहीं करता है। जब करंट पास नहीं करेगा तो ये चालक कंडक्टर कहलाएगा कि सेमीकंडक्टर के इंसुलेटर, इंसुलेटर, इंसुलेटर के मतलब क्या होगा, कुचालक कहलाएगा, कुचालक कहलाएगा, कुचालक की भांति। 122 का ये नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखना आगे, आगे 121 नंबर सवाल में क्या होगा, संयोजक बैंड ऊर्जा बैंड, चालन ऊर्जा बैंड, अभी बताए थे वायलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड, ये ऊपर मान लेते वायलेंस बैंड और नीचे मान लेते क्या है, कंडक्टेंस बैंड। इसके बीच में जो ए एनर्जी गैप हुआ उसे हम लोग कौन सा बैंड कहते हैं, फॉरबिडन बैंड कहते हैं, या इसी को हम लोग कहते हैं एनर्जी गैप भी कहेंगे, क्या कहेंगे, एनर्जी गैप भी कहेंगे, एनर्जी गैप कोई है क्या, बैंड गैप हो जाएगा। 121 के बी हो जाएगा बैंड का। उसके बाद देखना 120 नंबर सवाल में क्या कह रहा था, कि कहता है गैप संधि द्वारा, इसके ये जो गैप संधि है ना इसमें ज्यादातर जो भरा जाता है ये रेड, या तो रेड भरा, याद रख लेना यार, ये तो रेड भरा जाएगा या तो ग्रीन भरा जाएगा। रेड, रेड के मतलब क्या होगा, लाल, और ग्रीन के मतलब क्या होगा, हरा। उसके बाद देखना, नहीं ऑनलाइन होगा कल क्लास भाई। उसके बाद देखना 119 नंबर सवाल में क्या कहता है, वैसा युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, ये तो सवाल में ही पूछ रहा है, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा को यानी कि लाइट एनर्जी को, सौर ऊर्जा के मतलब क्या होगा, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी के मतलब विद्युत ऊर्जा में कौन बदलेगा। तो देखना लाइट से जो इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होता है उसे सोलर कहते हैं ना, उसे हम क्या बोलेंगे, सोलर, सोलर के मतलब सौर सेल कह देंगे, सोलर, सोलर के मतलब क्या होगा, सौर सेल हो जाएगा।
लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में जो बदलता है उसे हम सोलर कहेंगे। सोलर के मतलब सौर से हो जाएगा। उसके बाद आगे देखना 118 नंबर सवाल में कहता है ट्रांजिस्टर में धारा ट्रांजिस्टर की धारा अल्फा अल्फा बराबर देखना मैं एक फॉर्मूला बताया था आई ई बराबर आई बी प्लस कितना आई सी। इसमें अल्फा जो होता है वो आई सी प्लस आई सी बटा आई ई के बराबर होता है। आई सी कहने का मतलब क्या होगा कलेक्टर करंट। इस तरीका से बताए होंगे ये क्या था पी एन पी पी एन पी ये इमीटर था ये बेस था ये क्या था कलेक्टर। इसलिए अल्फा जो होगा आई सी बटा क्या आई सी क्या होगा कलेक्टर करंट और आई क्या होगा इमीटर करंट। अब कल जो क्लास में किया बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा यार। पहले से किसी दूसरे बच्चे को सलाह मैं दिया करो कि कल क्लास करोगे यार। अगर कल जो क्लास में किया ना तो इतना ज्यादा पछतावा होगा ना कि तुम समझते रह जाओगे कि मैं गलती क्या किया। आगे देख लेना। उसके बाद 117 नंबर सवाल में क्या रहा है 117 नंबर सवाल में क्या रहा है 117 नंबर सवाल में क्या रहा है बीबर बीबर किसको कहते हैं होल को। अभी कहता है बीबर होल मोबाइल आवेश वाहक है किसका यानी कि बीबर होल जो होता है ये देखना एक कंडक्टेंस बैंड हो गया एक क्या हो गया वैलेंस बैंड। इसके बीच में जो बैंड गैप होता है बैंड गैप होता है उससे हम क्या कहते हैं फॉरबिडन बैंड। इससे हम क्या कहते हैं फॉरबिडन बैंड यही कह रहा था। और इसके बीच में जो होल होगा वो कौन सा बैंड होगा फॉरबिडन बैंड होगा फॉरबिडन बैंड होगा। उसके बाद 116 नंबर सवाल में देखना 116 नंबर सवाल में कहता है क्या कहता विभव मापी के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेपण यानी कि गैल्वेनोमीटर लगा देंगे एक गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेपण के मतलब कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा तब डिफ्लेक्शन कब नहीं देगा जब इससे करंट पास करेगा कि नहीं करेगा नहीं करेगा। अगर करंट पास करेगा तो इसमें कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन देगा ना अगर कुछ ना कुछ क्या देगा डिफ्लेक्शन। तो कहता डिफ्लेक्शन विक्षेपण जो होगा जीरो यानी डिफ्लेक्शन नहीं देगा तो इससे करंट नहीं पास करेगा। तो एक सवाल में कह रहा है विभव मापी के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेपण होगा तो धारा का प्रवाह गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं करेगा तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर परिपथ में धारा का जो प्रवाह होगा गैल्वेनोमीटर परिपथ में होगा कि नहीं होगा नहीं होगा। राम चोरी करेंगे सर अरे तुम्हें ये करना होगा कर लेना नहीं यार। उसके बाद देखना 115 नंबर सवाल में कह रहा है 115 नंबर सवाल में कह रहा है यदि तार के आपका था यदि एक तांबे के तार को खींच करके लंबाई को 1% बढ़ा दिया जाए। एक्चुअली ये सवाल नहीं पूछेगा आपसे सवाल ऐसा पूछेगा कि यदि तार की लंबाई को खींच करके अगर दुगना कर दिया जाए तब उसका प्रतिरोध क्या होगा। ऐसा सवाल परसेंटेज वाला आपका सवाल नहीं देगा परसेंटेज वाला इस साल जो जैसा करोना था इस साल सवाल नहीं देगा। आपसे बस सवाल ही पूछेगा कि अगर कोई तार को खींचकर उसका लंबाई दुगना कर दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। तो याद रखिएगा 4 गुना क्योंकि जितना लंबाई खींचोगे ना उससे स्क्वायर उसका वर्ग हो करके उसका प्रतिरोध होगा। अगर 2 गुना खींचा है लंबाई को दुगना किया है तो प्रतिरोध कितना गुना होगा। अच्छा लंबाई को 3 गुना करेंगे तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा 9। अगर डॉट लंबाई को n गुना करेंगे तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा n स्क्वायर। आप लोग को नोट करके लिखाया हुआ था कि जब कोई चालक तार की लंबाई को n गुना बढ़ाया जाए तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा n स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा। इसका आंसर ऐसा हो जाएगा 0.2। उसके बाद 114 नंबर सवाल में क्या कर रहा है 12 ओम के प्रतिरोध है ये कोई तार है जिसका प्रतिरोध कितना है 12 ओम। इसे कह रहा है क्या
12 ओम के प्रतिरोध के तार को एक वृत्ताकार मोड़, इसको ये क्या करता है, एक वृत्त के रूप में इसे क्या कर लिया जाता है, मोड़ लिया जाता है। तो इसके व्यास के रूप में प्रतिरोध, देखना इसके व्यास के किनारों यानी कि डायमीटर के क्रॉस है आर इक्विवेलेंट का मान निकालना है। तो बताओ ये टोटल कितना हो जाएगा, 12 ओम। जब ये अगर 12 ओम हो जाएगा, अगर इसको सर्कल में मोड़िएगा तो आधा लंबाई ऊपर आधा लंबाई कितना नीचे, तो आधा जब लंबाई ऊपर है तो आधा प्रतिरोध भी ऊपर हो गया ना, और आधा प्रतिरोध क्या हो गया नीचे। अब ये बताइए इसको जब स्ट्रक्चर बनाइएगा तो ये इस तरीका से बनेगा, ऊपर में कितना 6 ओम और नीचे में भी कितना 6 ओम। अब ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन है कि पैरेलल है, पैरेलल। और आप लोग का याद है कि जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल होता है तो ऊपर में दोनों का गुणा दोनों का जोड़, यानी कि 6 × 6 और बटा 6 + 6 तो 12, 6 × 2 = 12 और 3 × 2 कितना 6, कितना हो जाएगा 3 ओम। तीनों आगे देखे ना, 114 नंबर सवाल हो गया। उसके बाद 113 नंबर सवाल की बात करते हैं। तो 113 नंबर सवाल में क्या कहता है, एक ही पदार्थ के बने दो तार ए और बी की लंबाई समान है, ये ए लंबाई हो गया और ये क्या हो गया बी तार है, दोनों का लंबाई क्या है समान है, लेकिन ए का व्यास बी से दुगना है, ए का जो व्यास है डायमीटर है बी से क्या है दुगना, यानी कि जब इसका डायमीटर दुगना है, ए का डायमीटर दुगना है बी से, तो कंफर्म है कि रेडियस भी क्या होगा दुगना होगा। तब मान लेते हैं कि इसका रेडियस कितना आर और इसका रेडियस कितना मान लिया 2r, इसका रेडियस कितना, जब व्यास दुगना है तो त्रिज्या भी क्या होगा दुगना। अब ये कहता है क्या, ए का प्रतिरोध बी के तुल में होगा, यानी कि ऊपर में जो प्रतिरोध कह रहा ए का और नीचे में जो प्रतिरोध रहा कह रहा बी का। तो बताइए देखना, कह रहा है ए का व्यास बी से दुगना, ए का जो व्यास है यानी कि व्यास, अगर व्यास दुगना है तो इसका त्रिज्या भी दुगना होगा, त्रिज्या दुगना होगा ना, अगर त्रिज्या दुगना होगा तो इसका त्रिज्या हमने क्या माना आर और इसका त्रिज्या कितना 2r। तो बताइए दोनों का तुलना प्रतिरोध से करना है, तो बताइए प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होगा, रेजिस्टिविटी लेंथ तो दोनों का सेम है और बटा में एरिया, इसलिए रेडियस डायमीटर नहीं लिखे रेडियस लिखे, क्योंकि यहाँ पर बाहर रहेगा तो यहाँ पर सर्कुलर सेक्शन बनेगा ना, और सर्कुलर सेक्शन क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा ये बाहर का कितना होगा सर्कल रहेगा, तो पाई क्या होगा आर स्क्वायर। तो एक का लिख रहे हैं तो एक का लिख रहे हैं तो कितना होगा प्रतिरोध का फॉर्मूला रेजिस्टिविटी लेंथ बटा एरिया, एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, इसका रेडियस आर है कि 2r, यहाँ पर 2r का क्या होगा स्क्वायर, और नीचे बी वाला तो रेजिस्टिविटी दोनों का लंबाई ए और बी का लंबाई क्या है सेम है, तो सेम है तो लंबाई सेम और बटा एरिया पाई आर स्क्वायर, इसका भी रेडियस आर है तो कितना आर स्क्वायर। अब इसको शॉर्ट आउट करेंगे तो रो एल और बटा में दुदुनी कितना होगा 4πr², यही हो जाएगा ना, 2×4 πr², अभी पाई आर स्क्वायर नीचे भागा में है ऊपर चला जाएगा ना, तो ऊपर ये तो सबसे ऊपर चला जाएगा, तो पाई कितना आर स्क्वायर और बटा में कितना रोएल, रोएल ने रोएल को क्या किया मार दिया, आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को मार दिया, 4 × 4 को मार दिया, यानी कि 1/4, 1/4 के मतलब और घट गया ना, कितना गुना घट गया 4 गुना। तो यहां से कह रहा है बराबर होगा नहीं, दुगना होगा नहीं, आधा होगा नहीं, चौथाई का रहा, हाँ सही है, ये क्या होगा चौथाई, चौथाई के मतलब 1/4 होगा। इसे स्क्रीनशॉट करना होगा कर लेना। कह रहा था क्या कि दोनों तार का लंबाई सेम है और उसका, लेकिन बी ए का जो व्यास है बी से दुगना, जब व्यास दुगना डायमीटर दुगना होगा तो रेडियस भी दुगना, रेडियस हम क्यों लिए क्योंकि यहां पर एरिया लिखना था, तो एरिया क्षेत्रफल लिखना था, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा पाई आर स्क्वायर।
तो यहाँ पर जब त्रिज्या दुगुना किए तब पहला तार का दबाला तार का जब रेजिस्टेंस लिख रहे हैं तो रेजिस्टिविटी लेंथ बटा कितना एरिया, एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना 2r। दूसरा तार का लिख रहे हैं तो रेजिस्टिविटी लेंथ बटा एरिया, एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। चार नहीं होगा भाई, चार नहीं होगा बेटा, 1/4 होगा। चलिए स्क्रीनशॉट कर लेना सर। आगे कहता है क्या किरिचॉप्स का नियम, किरिचॉप्स का नियम जो बेस्ड होगा, किरिचॉप्स का जो नियम बेस्ड होगा वो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, किरिचॉप्स का जो नियम बेस्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेशन पर आधारित होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेशन के मतलब क्या होगा विद्युत क्षेत्र का संरक्षित, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 111 नंबर सवाल बहुत बार आया है, देखना 60 वाट है और कितना वाट है 40 वाट है, इसे किस में दोनों को किस में जोड़ दिया है श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम के मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो सम्मिलित शक्ति पी इक्विवेलेंट कितना, बच्चा को तो इसका रिजल्ट ही डायरेक्ट याद होगा 24 वाट है। देखिएगा हम फिर से बता रहे हैं क्योंकि ये वाट है तो ये पावर होगा, पावर का फॉर्मूला क्या होता है वी स्क्वायर बटा कितना आप, यानी कि जब इसका प्रतिरोध निकालोगे आप 60 वाट का तो प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होगा वी स्क्वायर बटा कितना पी, तो 60 वाट का जब आप प्रतिरोध निकालोगे तो वी स्क्वायर और बटा में कितना 60, क्योंकि वी स्क्वायर बटा पी, पी कितना का है 60 वाट, और 40 वाट का निकालोगे तो 40 वाट का प्रतिरोध आर टू, यानी कि वी स्क्वायर और बटा में कितना 40, दोनों को कैसे जोड़ा गया है श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम में सीधा सीधे जुट जाएगा ना, समानांतर क्रम में ना 1/r से होता है, श्रेणी क्रम में देखना आगे प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में रहता है तो सीधा सीधी जुटता है, तो आर इक्विवेलेंट बराबर आर वन प्लस कितना आर टू। अब बताओ आर इक्विवेलेंट आर वन कितना है, तो आर वन मेरा वी स्क्वायर बटा कितना सा, आर टू कितना है तो वी स्क्वायर बटा कितना 40 है। अब ये आर इक्विवेलेंट बराबर एलसीएम कितना ले लेंगे 120 ले लेते हैं, तो 60 दूना 120 है 2 वी स्क्वायर और प्लस में 3 वी स्क्वायर। अब आर इक्विवेलेंट बराबर 3 2 कितना 5, तो यहां पर 5 वी स्क्वायर बटा 120 है। अब यहां से 24 बचे 20 से, तो आर इक्विवेलेंट बराबर कितना वी स्क्वायर बटा कितना 24 है। अब ये बताओ हमें पावर चाहिए ना, तो पी इक्विवेलेंट का फार्मूला होता है वी स्क्वायर, जब पावर टोटल तो आर भी टोटल, और टोटल आर को मैंने क्या लिखा आर इक्विवेलेंट, तो बताइए पी इक्विवेलेंट बराबर वी स्क्वायर बटा आर इक्विवेलेंट का मान कितना वी स्क्वायर बटा 24 है। 24 कहां चला जाएगा ऊपर, यानी कि वी स्क्वायर बटा वी स्क्वायर और गुना में कितना 24 है, वी स्क्वायर ने वी स्क्वायर को मान दिया कितना 24 वाट। इसे स्क्रीनशॉट करना होगा तो कर लेना भाई, इसे स्क्रीनशॉट करना होगा कर लेना दोस्त। नीचे कहाँ कुछ याद है 24 पार्ट लगे लिखे वहाँ नहीं चला, यहाँ आ रहा है सब हमेशा लिखवे करेगा 50 वर्ष में लिखा होगा। चलिए आगे क्या था क्या परिपथ, देखना 110 नंबर सवाल में क्या कहा है परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदलता है, देखना विद्युत ऊर्जा को इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें बदलता है ताप, ताप के मतलब हीट एनर्जी में, मैं क्या बोला था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ, देखना इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कौन बदलता है, जैसे मान लेते हैं कि कोई रेजिस्टेंस है, यहाँ पर कोई बैटरी है, यहाँ पर हमने कोई बैटरी लगा दिया, अगर यहाँ से मान लेते हैं कि वी वोल्ट का बैटरी है, यहाँ से अगर 10 एम्पीयर का करंट पास कर रहा है तो ये रेजिस्टेंस के बाद रेजिस्टेंस क्या करेगा करंट को रोकेगा, तो ये कंफर्म है कि इधर 10 से ज्यादा जाएगा कि 10 से कम, 10 से कम, तो 10 से कम गया तो आया था तो 10 है, लेकिन ये 10 से कम गया
गया तो 10 से कम गया तो बाकी कहां गया, तो ये जो बाकी जो कम जैसे 10 गया यहां पर 9 ही एम्पियर अगर गया होगा तो 1 एम्पियर कौन खा गया, तो 1 एम्पियर कौन खा गया, प्रतिरोध खा गया, रेजिस्टेंस खा गया, और रेजिस्टेंस को यही 1 एम्पियर ये गर्म किया होगा कि गर्म नहीं किया होगा, गर्म किया होगा। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी से जो हीट एनर्जी में बदलता है वो कौन बदलता है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध बदलता है, प्रतिरोध। उसके बाद हाँ 10 नंबर सवाल ही हो गया, उसके बाद देखना, उसके बाद 109 नंबर सवाल में क्या था, ये देखना, ये डायरेक्ट सवाल है, 109 में क्या था है, पॉइंट रूल, किरचॉफ्स पॉइंट रूल, पॉइंट रूल में क्या हुआ था याद है, पॉइंट रूल एक केसीएल हुआ था, ये क्या हुआ था केवीएल, तब पॉइंट रूल में क्या होगा कि वैसा कोई पॉइंट है जहां पर आने वाला करंट और जाने वाला करंट का सम क्या होगा, जीरो, यही ना। तब पॉइंट रूल में किसको आएगा, केसीएल, केसीएल के मतलब किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, और किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ किस पर आधारित होगा, चार्ज पर, चार्ज के मतलब आवेश कंजर्वेशन पर ना, चार्ज कंजर्वेशन पर, अगर चार्ज कंजर्वेशन होगा, अगर दूसरा कहता तो दूसरा किस पर होता है, एनर्जी कंजर्वेशन, लेकिन ये कह रहा है क्या 109 नंबर सवाल में पॉइंट रूल, तो पॉइंट रूल ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होगा कि आवेश संरक्षण, तो आवेश संरक्षण होगा, आवेश संरक्षण होगा। उसके बाद आगे देख लेना, उसके आगे 108 नंबर सवाल में क्या करा, एक सवाल आ गया, अभी देखना, अभी डिस्कस किए थे जो 110 में सवाल डिस्कस हुआ था, किसी विद्युत परिपथ है, किसी विद्युत परिपथ को विद्युतीय ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदलता कौन, प्रतिरोध बदलेगा। उसके बाद 107 नंबर सवाल में कह रहा है क्या, कहता है एक चालक से 3.2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रहा है, यानी कि करंट का मान कितना हो रहा है 3.2 एम्पियर। अब कहता है इस चालक के अनुप्रस्थ काट के प्रति एकांक सेकंड, यानी कि टाइम कितना में, एक सेकंड में, टाइम कितना में, एक सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, आई ए में निकालना है, तो मैं फॉर्मूला पढ़ाया था, आई का फॉर्मूला कितना क्यू बटा टी, नहीं तो फिर क्यू के जगह पर कितना एनी बटा टी, तो लगा दो ना आई बराबर एनी बटा कितना टी, करंट दे रहा है कितना 3.2 एम्पियर, एन का मान निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन के पास हमें पता है 1.6 गुना 10 का पावर माइनस में, और प्रति एकांक सेकंड है टाइम कितना 1, तो बताइए एन बराबर ये 1.6 गुना 10 का पावर माइनस में से गुना मैंने जाएगा तो भागा, तो 3.2 बटा 1.6 गुना 10 का पावर माइनस में, दशमलव से दशमलव कैंसिल आउट, 16 दूनी 32, नीचे में नेगेटिव ऊपर जाएगा पॉजिटिव, यानी 2 गुना 10 का पावर 19। अरे बेटा हिमांशु तुम मोनी को क्लास नहीं करवा, अपना मम्मी को क्लास करवा दो साला हरामी, जब से तुम आए हो ना साला पागल बना के रख रहे हो। पढ़ना लिखना सारे वाइस है, आगे देख लेना कौन सा सवाल, 106 नंबर सवाल, थोड़ा सा अच्छे सवाल है इसे देख लेना भाई। 106 नंबर सवाल में क्या कर रहा, धातु के बने किसी घनाभ की चौड़ाई या ऊंचाई बराबर है, चौड़ाई के मतलब देखना धातु घनाभ है, घनाभ की मतलब समझते हैं क्या, अभी देखना एक इस तरीका से घनाभ मैंने बना दिया, अभी घनाभ बना दिया, इसका लंबाई ये देखना, सॉरी कहता धातु देखना धातु के बने किसी घनाभ, घनाभ का चौड़ाई या ऊंचाई, यानी कि एगो लेंथ होता है, एगो ब्रेथ होता है, एगो हाइट, तब ब्रेथ और हाइट दोनों आपस में क्या है बराबर है, दोनों आपस में क्या है बराबर है, तथा लंबाई चौड़ाई का दुगना है, और लेकिन लंबाई जो है वो चौड़ाई का क्या है दुगना है, तो लंबाई जो होगा चौड़ाई का दुगना होगा, यानी लंबाई जो होगा
दो गुना चौड़ाई के बराबर होगा, लंबाई चौड़ाई का दुगना, तो दोनों को बराबर करना है तो चौड़ाई में दो से ना मल्टीप्लाई करेंगे, लंबाई चौड़ाई का जैसे देखना दस पांच का दो गुना है, दो से जो गुना करेंगे किसमें कम वाला में, तब देखना लंबाई दुगना है, लंबाई ज्यादा है चौड़ाई क्या है कम है, तो कितना गुना है दो गुना। तो उसी प्रकार जब लंबाई दो गुना चौड़ाई छोटा है तो ऊंचाई में तो दो गुना छोटा होगा ना, तो लंबाई बराबर कितना होगा 2h हो जाएगा। अब यहां से देख लो कहता है क्या कि समानांतर सतह के बीच महत्तम और लघुत्तम प्रतिरोध का अनुपात, यानी कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस हम लोग को क्या कह रहा है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस है, और नीचे में क्या कह रहा है मिनिमम रेजिस्टेंस का क्या कह रहा है प्रतिरोध। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है इसमें वो क्या होता है रेजिस्टेबिलिटी लेंथ बटा कितना एरिया। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस तभी, रेजिस्टेबिलिटी को आप कुछ नहीं कर सकते हैं, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रेजिस्टेंस मैक्सिमम तभी आएगा जब लंबाई भी क्या होगा ज्यादा, तो लंबाई ज्यादा होगा तो लंबाई ज्यादा होना चाहिए, तो ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेबिलिटी लेंथ, तो लेंथ जो लेंगे वो लेंथ आप देखना अभी मैक्सिमम, तो ये बताइए लंबाई ज्यादा होना है तो ज्यादा होना है तो लेंथ को लेंगे कि ब्रेथ क्योंकि हाइट को लेंथ को, कि लंबाई दुगना था ना तो यहां पर ऊपर में क्या कर लिए लेंथ और बटा में रेजिस्टेबिलिटी लेंथ है तो रेजिस्टेबिलिटी लेंथ है और बटा एरिया, एरिया की जब मैं बात करूंगा तो एरिया कौन वाला होगा, तो देखना एरिया जो लिया जाता है वो पर लंबाई के परपेंडिकुलर, तो लंबाई के परपेंडिकुलर तो लेंथ तो ले ही ली है, तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा बीएच होगा कि बीएच नहीं होगा बीएच। तो ऐसा काहे नहीं कर लेते हैं कि अगर इसका ब्रेथ अगर एक्स है और हाइट भी अगर एक्स है तो लंबाई कितना हो जाएगा 2x होगा कि 2x नहीं होगा 2x है, तो ऐसा यही कर लीजिए लंबाई, तो लंबाई के अनुसार कितना 2x है, रेजिस्टेबिलिटी लेंथ है लेंथ कितना होगा 2x है और बटा एरिया, तो इसका परपेंडिकुलर ब्रेथ होगा और क्या होगा हाइट, ये भी x है ये भी x है, तो x गुना कितना x है, और नीचे में मिनिमम, तो मिनिमम तो रेजिस्टेबिलिटी मिनिमम, अभी मिनिमम कहने का मतलब लेंथ सबसे कम, तो सबसे कम किस में होगा, या तो आप ब्रेथ से ले लो या तो आप क्या ले लो हाइट से, अगर ब्रेथ से लेंगे तो एरिया में कौन आएगा लेंथ होगा और क्या होगा हाइट, अगर हाइट लेंगे लंबाई में अगर हाइट लेंगे तो एरिया में कौन होगा लेंथ होगा और कौन होगा ब्रेथ, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है ना, तो इसको ले लो ना हाइट ही को आप ले लो, तो हाइट को ले लेंगे तो रेजिस्टेबिलिटी लेंथ, लेंथ कितना एक्स और बटा एरिया, तो इसका परपेंडिकुलर लंबवत एरिया एको लेंथ होगा एको क्या होगा ब्रेथ, लेंथ कितना हो गया 2x और ब्रेथ कितना हो गया एक्स, कुछ कटता है तो काटिए, x ने x को मार दिया, x ने x को मार दिया, ऊपर में कितना होगा 2rho और बटा में कितना x है, और फिर नीचे में कितना हो गया rho बटा कितना 2x है। अब सॉल्व इसको करेंगे तो 2rho बटा कितना x है, और 2x कहां चला जाएगा ऊपर और बटा में rho, x ने x को मार दिया rho ने rho को मार दिया, यानी कि कितना होगा 4 अनुपात 1 हो जाएगा। कौन सा सवाल था 106, ये गलत दिया हुआ है भाई, आंसर गलत है आपका, 4 होगा गुड 4 ही होगा, 4:1 होगा। आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट कर लेना घर में समझिएगा, चार होगा एक बार स्क्रीनशॉट कर लेना, आंसर गलत है 8 नहीं होगा। आगे देखना, आगे 104 नंबर सवाल देखो, देखना 105 नंबर सवाल में कहता है, 105 नंबर सवाल में कहता है किलोवाट आवर, बहुत बार आया है ये किलोवाट आवर कह दे या तो वाट आवर कह दे या तो जूल कह दे या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह दे, किसका यूनिट होगा एनर्जी, एनर्जी के मतलब क्या होगा ऊर्जा का, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादा किसका देगा आप लोग को अगर कहेगा वर्क फंक्शन के मतलब काट फलन किसका यूनिट होगा, तो काट फलन का जो यूनिट होता है वो क्या होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गुड, आगे देखना
104 नंबर सवाल, 104 नंबर सवाल में कहता है, अब कहता एक एकांक की चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर है, अचर के मतलब कांस्टेंट है। तो हम आपको बताए थे कि अगर कोई एक कैपेसिटर होगा तो कोई भी कैपेसिटर के पास दो प्लेट ना, एक पॉजिटिव होगा एक क्या होगा निगेटिव है। अगर जो पॉजिटिव प्लेट को रखेगा पॉजिटिव चार्ज और जो निगेटिव प्लेट को रखेगा निगेटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव पोटेंशियल क्या होगा निगेटिव। तब कोई भी कैपेसिटर जो चार्ज स्टोर करेगा आवेश जो संग्रह करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका विभवांतर का, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट, तो सी गुना कितना डेल्टा भी, यही सी के बारे में पूछा है। तो सी बराबर क्यू बटा कितना डेल्टा भी, तक क्यू देखना पहला ऑप्शन दिखा रहा है कुल आवेश बटा विभव, नहीं कुल आवेश लेंगे तो बार बार आंसर मेरा क्या होगा जीरो, क्योंकि जितना प्लस उतना क्या होगा माइनस, इसलिए आपका आंसर होगा दिया गया आवेश। और देखना सी बराबर क्यू बटा भी होता है सी बराबर क्यू बटा डेल्टा भी या सी बराबर क्यू बटा भी, तो दिया गया आवेश और बटा विभव हो जाएगा। बी हो जाएगा। आगे देख लो, आगे देख लेना भाई 103 नंबर सवाल, 103 नंबर सवाल में क्या कर रहा है, समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेट के बीच परावैद्युत माध्यम डालते हैं, इस समानांतर प्लेट संधारित्र है इसके बीच में परावैद्युत माध्यम डालेंगे, अगर नहीं डालते तो इसका फॉर्मूला याद है अब साइलेंट नॉट ए बटा कितना डी। दो नंबर का सवाल ये भी पूछ सकता है, दो नंबर का सवाल ये भी पूछ सकता है कि बता दो कि ऐसा दो फैक्टर बता दो, ऐसा दो कारक बता दो जिससे संधारित्र संधारित्र यानी कि कैपेसिटेंस में चेंजिंग हो जाएगा, तो कौन कौन हो सकता है, एक प्लेट एरिया को चेंज कर देंगे और एक दूसरा क्या कर सकते हैं दोनों प्लेटों का बीच का दूरी को हम लोग क्या करेंगे चेंज कर देंगे, तब ये कैपेसिटेंस वही रहेगा कि चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एक सवाल और पूछता है कि कोई भी कैपेसिटर के सेकंड प्लेट का क्या कार्य है, कोई भी कैपेसिटर के सेकंड प्लेट का क्या कार्य है, तो हम लोग ये कहेंगे कि कोई भी कैपेसिटर के पास दो प्लेट होता है, एक पर पॉजिटिव होता है तो दूसरे पर उतना ही क्या होगा निगेटिव, तो सेकंड प्लेट क्या रखेगा, अगर पहला प्लेट पॉजिटिव रखेगा तो दूसरा प्लेट क्या रखेगा निगेटिव रखेगा। तो कह रहा है क्या कि इसके अंदर कोई डायलेक्ट्रिक स्लैब को डाल देंगे तो नया जो कैपेसिटेंस बनता है संधारित्र बनता है वो कितना होगा, के गुना एप्सिलॉन नॉट ए गुना ए बटा कितना डी, यानी कि सी डैश बराबर के गुना कितना सी, ये के गुना बढ़ गया कि घट गया, बढ़ गया, के गुना बढ़ जाएगा। आगे देख लेना, उसके बाद 102 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, इस तरीका से प्लेट बना दिया गया, इधर मेरा कितना है 20 वोल्ट है और इधर मेरा कितना है 10 वोल्ट है, इधर वाई है इधर एक्स है, सी बराबर 2 माइक्रोफराड है, तो कहता एक्स पर कितना चार्ज होगा, तो हम लोग को तो पता है कि दो प्लेटें एक पर अगर पॉजिटिव होगा तो दूसरे पर क्या होगा निगेटिव, तो किस पर पॉजिटिव होगा, जो ज्यादा पोटेंशियल को रखेगा उस पर पॉजिटिव, तो ये 20 वोल्ट है 10 वोल्ट है, तो इस पर जितना प्लस होगा इस पर उतना क्या होगा माइनस है, और हमें पता है कि क्यू बराबर सी गुना कितना डेल्टा भी, सी के जगह पर कितना 2 और डेल्टा भी के मतलब चेंज है, तो 20 में से 10 गया तो कितना 10 है, यानी 10 दूनी कितना 20 है, अगर वाई पर आंसर करता तो प्लस में 20 माइक्रो कूलर, अगर एक्स पर बोला है तो प्लस की माइनस माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि ये क्या है कम वोल्टेज है, तो कम वोल्टेज वाला नेगेटिव चार्ज को रखेगा। आगे देख लेना आप, हाँ 101 नंबर सवाल में क्या कर रहा था, कहता है एक समरूप विद्युत क्षेत्र x में, यानी कि कोई इलेक्ट्रिक, देखना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किस में है x में, तो कहता है क्या समद्विभव सतह इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये 2 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंस है, कहता है इक्विपोटेंशियल सरफेस किसको कहते हैं, तो वैसा सरफेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्या होगा परपेंडिकुलर, यानी वैसा सतह जो विद्युत बल रेखाएं से क्या होगा लंबवत, तो ये तीन ही एक्सिस होता है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इधर क्या होगा जेड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा वाई जेड। आपको ये भी एक सवाल पूछता है
कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कोई सरफेस पर कैसा होगा? तो कोई सरफेस पर जो होगा हमेशा याद रखना यहाँ पर हमेशा क्या होगा वो परपेंडिकुलर होगा कि परपेंडिकुलर नहीं होगा? परपेंडिकुलर होता है। आगे देखना 100 नंबर सवाल में कहता अस्थिर विद्युत क्षेत्र, अस्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? आप बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कंजर्वेटिव कि नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव हो जाएगा, कंजर्वेटिव ना। उसके बाद कहता है 99 नंबर सवाल में कहता है समरूप वेग से चलने वाला आवेश, अगर कोई कोई जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या कर रहा है? चल रहा है। तो चल रहा है तो याद रखना केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा कि केवल चुंबकीय क्षेत्र? के विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र। अगर चलने वाला बात कह देगा तो यहां से देखना, इसमें देखना एक कह रहा है क्या, थोड़ा सा समझना, समरूप वेग, समरूप वेग के मतलब क्या होगा? कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा क्या उत्पन्न करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के मतलब चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन गलत मारा हुआ, इसको सुधार लेना। समरूप वेग से चल रहा है तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं कहता तो क्या होता? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के मतलब विद्युतीय चुंबकीय। अगर वेलोसिटी वेग अगर नियत कहेगा तो वेग अगर नियत कहेगा तो सिर्फ और सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र होगा। अगर वेग नियत नहीं कहेगा तो कौन सा होगा? विद्युतीय चुंबकीय। यानी कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा। आगे देख लो भाई। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट चार्ज, अगर आपको नहीं स्पेसिफिक चार्ज की बात करेगा तो स्पेसिफिक चार्ज आपको अगर कुछ नहीं याद है तो सीधा ऑप्शन देखिए, जितना भी ऑप्शन है उसमें लिखल है कूलम्ब बटा केजी। तो इलेक्ट्रॉन की बात किया है तो लगता है कूलम्ब बटा केजी तभी आएगा जब ऊपर में क्या होगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज और नीचे में क्या होगा इलेक्ट्रॉन का मास। में इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है 1.6 गुना 10 का पावर कितना -9 और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा कोई बता सकता है भाई? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 और गुना 10 का पावर कितना -31 से लिखे होगा ना। तो यहां से रख लो 9.1 गुना 10 का पावर माइनस में कितना 31 है। दशमलव ने दशमलव को क्या किया? मार दिया था। अगर मार दिया तो नीचे में 31 ऊपर में जाएगा तो क्या होगा? +31 है। तो 31 में से 19 गया कितना बचेगा? 31 नीचे -31 ऊपर जाएगा तो क्या होगा? +31 है। 31 में 19 गया तो 16/91 गुना 10 का पावर 31 में 19 गया तो 10 का पावर 12 ना। अगर 12 होगा तो 10 का पावर 12 को क्या मैं लिख सकता हूं? 10 गुना 10 का पावर कितना 11। तो अगर यहां से अगर इसको 16/91 गुना 10 गुना 10 का पावर 11 तो ये 160 हो जाएगा ना। तो 160/91 गुना 10 का पावर कितना 11। अब 160 में 91 से भाग लगाइएगा, अगर 182 रहता तो 2 आता, लेकिन 182 से कम है तो कम है तो कंफर्म में 2 से क्या होगा? कम। 2 से कम होगा तो 1.8 गुना 10 का पावर कितना 11 कूलम्ब बटा केजी। आप इसे स्क्रीनशॉट करना होगा, कर लेना। स्पेसिफिक चार्ज कहेगा, विशिष्ट आवेश कहेगा, तो ऊपर में चार्ज और नीचे में, ऊपर में चार्ज और नीचे में मास। आप इसे स्क्रीनशॉट करना, कर लेना भाई फास्ट। फास्ट भाई देख लो। उसके बाद आगे देखना 97 नंबर सवाल में कह रहा है ए और बी के बीच में क्या होगा? समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। यही है ना, ये चार 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 और ये इधर कितना हो जाएगा 2, इधर कितना हो जाएगा 4 माइक्रोफराड, इधर भी कितना हो जाएगा 4 माइक्रोफराड, इधर 2 माइक्रोफराड और इधर कितना है
ये भी कितना है 4 माइक्रोफैराड और ये भी कितना है 4 माइक्रोफैराड। सबसे पहले देखिएगा ये दोनों किस में, सीरीज में। अगर सीरीज में दो कैपेसिटर सीरीज में रहता है तो ऊपर में दोनों का गुना नीचे में दोनों का क्या करेंगे जोड़, 4 चौके 16 और 16 बटा कितना 8 है, तो 16 बटा 8 तो कितना 2 माइक्रोफैराड। ये दोनों को किए तो दो ऊपर में दोनों का गुना और नीचे में दोनों का जोड़ तो 16 बटा 8 तो कितना 2, या अगर आपस में बराबर है तो C बटा A ना, तो C के जगह पर कितना 4, ये K को है 2 को, तो 4 बटा 2 तो 2। अब फिर से इसको सोल्व करिएगा तो इसको सोल्व करेंगे तो बोल ऐसा हो जाएगा, ये तो 2 माइक्रोफैराड हो गया ये वाला, ठीक है। नीचे में कितना हो जाएगा 4 माइक्रोफैराड, इधर भी कितना हो जाएगा ये भी 4 माइक्रोफैराड है, और ये दोनों को जो सोल्व किए वो भी कितना के बराबर होगा 2 माइक्रोफैराड का। अब बताओ ये दोनों सीरीज में कि पैरेलल में, तो आप बोलेंगे पैरेलल में। जब पैरेलल में हो गया तो नीचे में 4 इधर भी 4 और इधर भी 4, 4 4 4 अगर इसको खींचेंगे तार को पकड़ के खींच देंगे तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा ना, ये 4 ये 4 ये 4। अब ये तीनों के तीनों श्रेणी क्रम की समानांतर क्रम, श्रेणी क्रम। जब श्रेणी क्रम होगा तो C इक्विवेलेंट बराबर फार्मूला C बटा कितना 1, C क्योंकि समान है ना, तो C के जगह पर कितना 4, ये K को 3 को, तो 4 बटा कितना 3। आप इसे स्क्रीनशॉट कर लेना होगा, आप इसे स्क्रीनशॉट करना होगा, कर लेना भाई। आप इसे स्क्रीनशॉट करना होगा, कर लेना। चलिए आगे, नेक्स्ट सवाल 96 नंबर सवाल में कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय वेग एल मिनिमम कह रहा है, तो एल का फॉर्मूला में पढ़ाया था ना, NH बटा कितना 2π, तो न्यूनतम बोला है तो ये कुछ नहीं तो कितना 1, तो 1 कम से कम ये बन लेंगे ना, तो न्यूनतम कोणीय वेग H बटा कितना 2π। आगे कहता है बॉन्डी ग्राफ जनरेटर, बताइए बॉन्डी ग्राफ जनरेटर किसको शो करता है, लो वोल्टेज को कि हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज उच्च वोल्टेज हो जाएगा। उसके बाद कहता है प्रतिबाधा का SI मात्रक, प्रतिबाधा, प्रतिबाधा के मतलब क्या होगा इंपीडेंस, इंपीडेंस का SI मात्रक। देखना यहां से तीन पॉइंट आएगा, या तो प्रतिरोध कहे चाहे प्रतिबाधा कहे चाहे प्रतिघात कहे, सबका यूनिट क्या होगा ओम होगा, सबका यूनिट क्या हो जाएगा ओम हो जाएगा। आगे देखना उसके बाद देखना, हाँ कहता है क्या 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक खोखला, यानी कि 5 सेंटीमीटर का कोई क्या है त्रिज्या का एक खोखला धातु का गोला इस प्रकार आवेशित किया गया है कि 5 सेंटीमीटर है इस प्रकार आवेशित किया गया है कि इसके पृष्ठ पर विभव, यहाँ पर पृष्ठ पर जो विभव है वो कितना है 10 वोल्ट है, तो इसके केंद्र पर कितना होगा भाई सेंटर पर। तो मैं बोला था कि इसका अगर कोई खोखला गोला रहेगा तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल दोनों जीरो होता है, लेकिन विद्युत विभव कभी जीरो होता है कि नहीं होता, नहीं, विद्युत विभव तो केंद्र से लेकर के सतह तक है सब जगह बराबर ना, हाँ कितना के बराबर होगा KQ बटा R। अगर सतह पर अगर 10 वोल्ट है तो केंद्र पर भी कितना वोल्ट होगा 10 वोल्ट। एक और होगा वोल्ट, आगे देखना 92 नंबर सवाल में, देखना 92 नंबर सवाल में क्या कर रहा है 2 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड, ये तो बहुत बार सवाल आया है यार, ये 2 माइक्रोफैराड और ये कितना है 4 माइक्रोफैराड है, और इसको कितना से जोड़ा गया है 1200 वोल्ट से जोड़ा गया है, कितना से जोड़ा गया है 1200 वोल्ट से जोड़ा गया है, तो 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र का विभवांतर, इसका विभवांतर, इसका विभवांतर V1 मान लेते हैं और इसका विभवांतर कितना V2। आप लोग लॉन्ग से बनाइएगा, मैं शॉर्ट से बना लेता हूं। ये देखना ये 1200 वोल्ट किस में जाके खत्म होगा, 2 में और 4 में ना,
तब दो में चार में तो इसका अनुपात ले लो, दो अनुपात कितना चार। अबे 1200 का तुलना यही दो में ना करना है, तब टोटल वोल्ट होगा तो यहाँ पर टोटल वोल्ट होगा तो यहाँ पर टोटल संधारित्र चार अधिक कितना छे। किससे आप निकालना चाहते हैं? दो माइक्रोफराड से। तो हमें पता है कि Q बराबर C गुना कितना भी, तो बता दो कि C बराबर कैपेसिटेंस C ना है तो C बराबर Q बटा कितना भी। अब एक कैपेसिटेंस और वोल्टेज में कैसा रिलेशन है, एक ये दोनों कैपेसिटेंस है ना, और हमें क्या निकालना है वोल्टेज, तो कैपेसिटेंस और वोल्टेज में कैसा रिलेशन, इनवर्सली। अगर इनवर्सली उल्टा है तो उल्टा है, दो से निकालना है तो कितना से गुना करेंगे चार से, तो यहाँ पर चार इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 200, और 200 गुना चार तो कितना होगा 800 वोल्ट। अगर कहता है कि आप चार माइक्रोफ्लैट से निकाल लो, अगर कहता कि आप चार माइक्रोफ्लैट से निकाल लो तो कितना होगा 1200 बटा में कितना छह, और चार से निकालना है तो कितना से गुना दो से, तो यहां पर दो, यहां से करेंगे तो 200 गुना दो तो कितना होगा 400 वोल्ट हो जाएगा। आगे देखना 91 नंबर सवाल में कहता है रेडबर्ड कांस्टेंट का यूनिट बताना है, तो रेडबर्ड कांस्टेंट का बीमा दे रखा है, बीमा एक पर पावर जीरो, ए इनवर्स वन, और टी पर पावर कितना जीरो, तो यहां से आराम से निकल जाएगा ना। ए इनवर्स वन कहने का मतलब क्या होगा, लेंथ का उल्टा ना, इसको ए इनवर्स वन को लिखेंगे एक बटा कितना एक, एक बटा एक कहने का मतलब एक है, और लेंथ एक तरीका का दूरी है तो क्या होगा मीटर, एक बटा मीटर, या इसी को हम लिख सकते हैं मीटर इनवर्स वन। गुड, उसके बाद 90 नंबर सवाल में क्या कर रहा है, हाइड्रोजन परमाणु, कोई हाइड्रोजन का जो एनर्जी है वो माइनस में 13.6 और बटा में कितना एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो कहता है इलेक्ट्रॉन को प्रथम कक्ष से दूसरी कक्ष में भेजने के लिए आवश्यकता ऊर्जा, तो इलेक्ट्रॉन को देखना ये एन बराबर वन से कहां जा रहा है, एन बराबर वन से एन बराबर कहां जा रहा है दो में, तो एन बराबर अगर एक में रहेगा तो एक में रहेगा तो इसका एनर्जी मेरा कितना हो जाता है इवन, इवन कितना हो जाएगा, तो एन के जगह पर वन रखिएगा तो वन का स्क्वायर तो वन है यानी कि माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर दो में चला जाएगा तो ई टू में एन के जगह पर कितना दो, तो दो में कितना होगा माइनस में 13.6 बटा दो का स्क्वायर तो कितना चार, इसको जब डिवाइड करिएगा तो कितना 13.6 में जब 4 से डिवाइड करिएगा तो माइनस में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना। कहता है कितना एनर्जी में परिवर्तन होगा, तो चेंज इन एनर्जी निकालना है, तो चेंज इन एनर्जी क्या होगा फाइनल एनर्जी में से इनिशियल एनर्जी को घटाएंगे, फाइनल कितना E2 और माइनस इनिशियल कितना E1, फाइनल एनर्जी कितना तो माइनस में 3.4 और माइनस है, इनिशियल एनर्जी कितना तो माइनस में 13.6 है, माइनस में 3.4 और माइनस क्या होगा प्लस है 13.6 कितना छे, ये प्लस में क्या होगा माइनस में, तो इसको करेंगे तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गुड, 10.2 या आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कितना ऊर्जा में परिवर्तन होगा, यानी कि चेंज इन एनर्जी निकालना था ना, चेंज इन एनर्जी का फॉर्मूला याद है मैं बताया था 13.6 1 बटा n1 स्क्वायर माइनस 1 बटा n2 स्क्वायर, यही बताया था किसमें से किसमें जा रहा है n1 से किसमें n2, या 13.6 1 बटा किसमें है n1, पहला से कहां जाएगा दूसरा, तो पहला में n1 के जगह पर 1 तो 1 का स्क्वायर तो 1, अब कहां जाएगा दूसरा तो n2 के जगह पर तो 2, 2 दूनी कितना 4, अब 13.6 LCM कितना 4, तो 4 माइनस कितना 1, इसको सॉल्व करिएगा तो कितना होगा 13.6 4 में से 1 गया तो 3 बटा 4, इसको काटेंगे तो 4 दिया 12 और 4 चौके 16, अगर इसको 3 से गुणा करेंगे तो 4 दिया 12 और 3 दिया 9 1 10 है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इसे स्क्रीनशॉट करना होगा कर लेना।
स्क्रीनशॉट करना होगा कर लेना भाई, मिटा दूं मैं। उसके बाद 89 नंबर सवाल में कहता है प्रतिघात फिर से आ गया, प्रतिघात रहे चाहे प्रतिबाधा रहे सबका यूनिट क्या होगा ओम। उसके बाद देखना एक सवाल 88 नंबर सवाल में देखना, कहता ए तथा बीच के बीच में समतुल्य प्रतिरोध, देखिएगा यही है हम लोग का, यही है ना, ये कितना है 3 माइक्रोफैराड और ये कितना है 2 माइक्रोफैराड और ये कितना है 4 माइक्रोफैराड, ए इधर ए मान लेते इधर कितना बी, ए और बी के बीच में निकालना है क्या हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में की पैरेलल तो पैरेलल तो सीधा सीधी क्या होगा जुटेगा तो 3 और 2 कितना 5 फिर कितना है 4 है। अब ये दोनों सीरीज में की पैरेलल में सीरीज में तो सीरीज में क्या होता है सी कोवेलेंट का फॉर्मूला, जब दो संधारित सीरीज में रहता है तो ऊपर में दोनों का गुणा नीचे में दोनों का जोड़ तो 5 चौके 20 और बटा 5 4 कितना 9 20/9 माइक्रोफैराड। आगे देख लो आप, कहता एक 87 नंबर सवाल थोड़ा सा अच्छा है इसको देखना, कहता है एक गोले पर आवेश यानी कि कोई गोला है इसके अंदर जो आवेश दिया गया कितना 10 माइक्रो क्या होगा कूलम, तो इसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स है, अगर विद्युतीय फ्लक्स निकालना है ना भाई तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट कितना ds है, और नहीं तो फिर क्या होगा क्यू इनसाइड बटा एप्सिलॉन 0। अभी बताओ फ्लक्स बराबर क्यू इनसाइड इसके अंदर कितना चार्ज बंद है 10 माइक्रो, क्या मेरा SI यूनिट माइक्रो में होता है क्या नहीं कूलम में, तो माइक्रो को हटाएंगे तो 10 पर पावर कितना -6 और बटा एप्सिलॉन 0, तो एप्सिलॉन 0 का मान ले रखिएगा क्योंकि ऑप्शन आपका किस में है पाई के फंक्शन में है, तो इसलिए आप क्या करिए ना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होगा 9 गुना 10 पर पावर कितना हो जाएगा 9, तो देखना देख लेना कि यहां से 4 पाई गुना में इधर जाएगा तो क्या होगा भागा में, तो 1/7 0 का मान कितना होगा इधर भागा में इधर जाएगा तो गुना में 9 चौके कितना 36 और पाई गुना 10 पर पावर कितना 9, यही फार्मूला रख लीजिए। देखना फ्लक्स का फॉर्मूला होता है क्यू इनसाइड बटा एप्सिलॉन 0, अभी फ्लक्स बराबर इसको लिख सकते हैं 1/7 0 गुना क्या होगा क्यू इनसाइड, अभी बताओ फ्लक्स बराबर 1/7 0 का मान कितना 36 पाई गुना 10 पर पावर कितना 9 और क्यू इनसाइड इसके अंदर कितना चार्ज है 10 माइक्रो, माइक्रो को हटाएंगे 10 पर पावर कितना -6, अब कुछ कैलकुलेशन करिए तो 36 पाई 10 पर पावर 9 यहां पर भी कुछ नहीं तो कितना 1 है 9 1 कितना 10 है 10 प्लस में और 6 क्या होगा माइनस में, तो 10 में से 6 गया तो 10 पर पावर कितना 4। ट्वेल्थ का जो ऑनलाइन जो क्लास रहेगा वो 10 से 2 रहेगा, उसमें 2 घंटा पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे उसके बाद 2 घंटा सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, कल 4 घंटा में हम लोग का पूरे पेपर कंप्लीट हो जाना है। आगे देखिए ना इसको स्क्रीनशॉट करना होगा कर लेना, सवाल नंबर कितना है 86 86 में तो बहुत बार आया है विद्युत आवेश का क्वांटम ESU, विद्युत आवेश का क्वांटम ESU, क्वांटम के मतलब क्या होगा एक है, क्वांटम के मतलब क्या होगा एक है,
आप ये बताओ एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज, तो 1.6 गुना 10 पावर माइनस 19 कूलम ना, लेकिन इसको कूलम में नहीं बोला है, ESU, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये बताओ एक कूलम बराबर कितना ESU, 3 गुना 10 पावर कितना 9 ESU, ESU को ही हम लोग क्या लिखते हैं, लिखेंगे कि स्टेट कूलम नहीं स्टेट कूलम, तो एक कूलम बराबर इतना, तो बताओ एक स्टेट कूलम बराबर कितना, एक बटा 3 गुना 10 पावर माइनस 9, ये सब याद रखना, एक कूलम बराबर कितना, कल सोमवार को मिल सकता है, एक कूलम बराबर कितना ESU, 3 गुना 10 पावर 9 ESU, तो एक ESU बराबर कितना, एक बटा 3 गुना 10 पावर कितना माइनस 9, तो ये सवाल कूलम में नहीं बोला है, आप इसको ESU में बदल दो, तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना हो जाएगा, 1.6 गुना 10 पावर माइनस 9, ESU में बदलेंगे तो 3 गुना 10 पावर 9, एक कूलम के जगह पर 3 गुना 10 पावर 9, ये क्या होगा ESU, और एक इलेक्ट्रॉन बराबर 47 है, यानी 4.8 गुना बेस सेम है गुना में है तो पावर क्या होगा जुटेगा, माइनस 19 प्लस 9 तो 10 पावर माइनस में कितना 10 है, ये किस में आएगा ESU में। ऑप्शन क्या है ए हो जाएगा, गड़बड़ ऑप्शन गड़बड़ है क्या, ऑप्शन आप सुधार लेना भाई, ऑप्शन 4.8 या 4.78 गुना 10 पावर माइनस 10 होगा, ऑप्शन आप सुधार लेना। चलिए आगे उसके बाद देखना ए सवाल नंबर कितना है 85 में, सवाल नंबर एक विद्युत ध्रुव के केंद्र से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर, अब कहता है एक विद्युत ध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल ना, इलेक्ट्रिक डायपोल यहां पर बीच में इसका क्या बनेगा केंद्र, इसके बीच में क्या बनेगा केंद्र, केंद्र से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर ए दो बिंदु ए तथा बी स्थित है, एगो ए तथा बी, ए कहां है अक्षीय बिंदु पर, ए कहां है अक्षीय और बी कहां है निरक्षीय, अक्षीय के मतलब सीधा ना एक्सियल, और निरक्षीय के मतलब इक्वेटोरियल पर, इक्वेटोरियल पर स्थित है, इक्वेटोरियल पर है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए पर ई है, इस पर कितना है ई है, तो इस पर कितना होगा हम लोग तो जानते हैं ना, इस पर अगर ई होगा तो इसका आधा होता है ना, आधा के मतलब ई बाई टू डी हो जाएगा, कट गया ई बाई टू, गो टू 84 नंबर सवाल में देखना, कहता है क्या एक समानांतर प्लेट संधारित्र में परावैद्युत 6 वाला परावैद्युत धारणा है, ये कोई संधारित्र है इसमें कोई डायलेक्ट्रिक स्लैब डाल देते हैं जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 6 है, तो प्लेटों के बीच का दूरी कितना गुना कर देते हैं ताकि क्या होगा धारिता पूर्वता बना रहे, पूर्वता से मतलब क्या होगा, पहले अगर कैपेसिटेंस सी है तो बाद में भी कैपेसिटेंस कितना होना चाहिए सी, डालला के बाद भी तो कहता कितना दूरी को बढ़ाएंगे, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए बटा कितना डी, अगर बाद में जब डाल देंगे तो मान लेते हैं कितना हो जाएगा सी डैश, लेकिन ये दोनों आपस में क्या पूर्वता है, ये दोनों आपस में बराबर ही होना चाहिए, तब डालेंगे तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होगा के गुना एप्सिलॉन नॉट ए और बटा, लेकिन ये क्या करा ए को प्लेट एरिया को कुछ नहीं बोला है लेकिन दोनों प्लेटों का बीच का दूरी बढ़ाने बोला है ना, हमको नहीं पता कितना होगा, मान लेते हैं कितना डी डैश, मान लेते कितना डी डैश, ये दोनों आपस में बराबर है ना, अगर बराबर है तो बताओ कितना हो जाएगा सी डैश के जगह पर भी एप्सिलॉन नॉट ए बटा कितना डी, और ये के जगह पर कितना 6 एप्सिलॉन नॉट ए और बटा में कितना डी डैश है, अगर एप्सिलॉन नॉट ए से एप्सिलॉन नॉट ए क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो ये डी डैश क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डी डैश बराबर कितना हो जाएगा 6d कहने का मतलब उसका दूरी 6 गुना बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ाना पड़ेगा 6 गुना बढ़ाना पड़ेगा, कल का टाइम 10 से 2,
आगे देखना, कहां तक किए थे इसमें सवाल, पहले से किया हुआ कितना 63 तक ना, आज खत्म ही कर देते हैं ना। उसके बाद कहता है नाभिकीय अभिक्रिया, अगर नाभिकीय देखना, अगर कोई न्यूक्लियस होगा तो न्यूक्लियस में सारा चीज है, ये देखना इसमें चार्ज भी कंजर्व रहेगा, लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा, एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। उसके बाद देखना 82 नंबर, कहता किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, देखना कोई विद्युत द्विध्रुव को, विद्युत द्विध्रुव को, अभी देखना विद्युत द्विध्रुव कहने का मतलब माइनस क्यू है, क्या हो गया प्लस क्यू, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा, तो इधर प्लस में एफ है, एफ बराबर क्यू गुना कितना ई, और इधर जो लगेगा एक का डायरेक्शन पीछे हो जाएगा ना, माइनस के कारण क्या होगा पीछे, तो माइनस में क्यू गुना कितना ई, एक का आगे है एक का क्या है पीछे, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए दोनों के दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा कि नहीं करेगा, कैंसिल आउट, जब कैंसिल आउट करेगा तो मेरा आंसर क्या होगा जीरो हो जाएगा, हमेशा शून्य होगा। उसके बाद में 81 नंबर सवाल में देखना नाभिक के अंदर दो प्रोटॉन के बीच, देखना नाभिक के अंदर तो नाभिक तो बहुत छोटा होता है ना, तो दो प्रोटॉन के बीच में ये देखना ये प्रोटॉन है प्रोटॉन है, ऐसा नहीं समझना कि दोनों पॉजिटिव है तो क्या करेगा रिपेल करेगा, नहीं दो नाभिक के बाहर रहेगा, क्योंकि एक कूलम्स लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ में मैं पढ़ाया था कि दो पॉइंट चार्जों का बीच का दूरी कम से कम कितना, देखना कम से कम 10^-14 कितना होना चाहिए 14 मीटर, अगर 10^-14 से कम है तो कूलम्स लॉ लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं जब नहीं लगेगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा कि नहीं करेगा, नहीं, तो देखना नाभिक बहुत छोटा होता है ना, और नाभिक का आकार 10^-15 कितना 15, कूलम्स लॉ यहां पर वैलिड है कि इनवैलिड है, इनवैलिड है, और जब इनवैलिड है तो ये दो प्रोटॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स लगता है, कौन सा फोर्स लगेगा न्यूक्लियर फोर्स है, तो इसमें कोई होगा ऑप्शन देखना नाभिक के अंदर दो प्रोटॉन के बीच में केवल विद्युत बल लगेगा कि केवल नाभिकीय बल लगेगा कि दोनों, एक गलत ऑप्शन दिया गया है, इसमें दोनों नहीं होगा केवल नाभिकीय कर लीजिए आप, केवल नाभिकीय कर लो, ऑप्शन गलत दिया हो गया है, क्योंकि नाभिक नाभिक क्या होगा लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ से फालतू हो गया ना, ये लिमिटेशन ऑफ कूलम्स के नियम की सीमाएं 10^-14 तक है, ये तो 10^-15 हो रहा है, कल का टाइम रहेगा 12 से 2 में 2 घंटा पहले ऑब्जेक्टिव रहेगा 2 घंटा सब्जेक्टिव रहेगा, दोनों मीडियम में रहेगा, सॉरी 10 से 2 होगा 10 से 2 रहेगा। उसके बाद देखना 80 नंबर सवाल का क्या कर रहा, वैसा युक्ति जो करता मॉडलन और डी मॉडलन, मॉडलन भी करता है और डी मॉडलन, तो अभी मॉडलन करेगा डी मॉडलन, ये कौन करता है, मॉडल का काम है, किसका काम है मॉडल मॉडल। उसके बाद 79 नंबर सवाल के तो पता है धातु के लिए अगर मेटल रहेगा तो मेटल के चलते परावैद्युत नियतांक यानी क्या होगा डाइलेक्ट्रिक देखना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होगा मेटल के लिए क्या होगा इनफिनिटी, नॉन मेटल के लिए क्या होगा एक से बड़ा होता है, याद रखना उसके बाद एक से बड़ा कहां तक होगा 6 तक ना। उसके बाद मेटल है तो मेटल के लिए क्या होगा इनफिनिटी। उसके बाद कहता है 78 नंबर सवाल में कि जब कोई आवेशित वस्तु को इलेक्ट्रॉन जब कोई आवेशित वस्तु है उससे इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, ये कोई आवेशित वस्तु है इसमें क्या किया इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया ना, इलेक्ट्रॉन को जब लॉस किया तो इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब लॉस किया, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है उस पर कौन सा चार्ज आएगा निगेटिव चार्ज के पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकाला है, जब इलेक्ट्रॉन निकाला तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, और इलेक्ट्रॉन को जो लॉस करता है उस पर कौन सा चार्ज आता है पॉजिटिव चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन इसको देता तो ये गेन करता ना, अगर गेन करता तो इस पर कौन सा चार्ज आता है निगेटिव चार्ज, लेकिन लॉस किया है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। आगे देखिएगा 77 नंबर सवाल में कह रहा है, कहता क्या धन के केंद्र पर यानी कि कोई घन है कोई क्यूब है, कोई क्यूब है उसका केंद्र पर उस क्यूब है क्यूब
अगर कोई क्यूब है उसके केंद्र पर उसका सेंटर पर कितना चार्ज को रखा है, क्यूब माइक्रो कूलम चार्ज को रखा गया है, तो घन के कोई एक सतह से बताइए क्यूब का कितना सरफेस होता है, छह सरफेस। अगर छह सरफेस रहता तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता, क्यूब इन साइड बटा कितना एप्सिलॉन जीरो, इसके अंदर कितना चार्ज बंद है क्यूब, तो यहाँ पर Q चार्ज बंद है तो Q माइक्रो में ना है, तो माइक्रो में है तो Q गुना 10^-6 बटा कितना एप्सिलॉन जीरो, ये छह वो सरफेस लेंगे तब ना। लेकिन क्या क्या कह रहा है कि ये क्यूब के कोई एक सरफेस है, तो छह सरफेस रहता तो फ्लक्स इतना होता, इसलिए एक सरफेस रहेगा तो फ्लक्स कितना, तो Q गुना 10^-6 और बटा में कितना एप्सिलॉन जीरो और फिर बटा छह, ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा Q गुना 10^-6 और बटा कितना 6 ε₀ हो जाएगा। ए ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखना ये फिर से आ गया कुचालक पदार्थ के मतलब नॉन मेटल के चलते, मेटल के चलते क्या होता है इनफिनाइट है, और नॉन मेटल के चलते एक से लेकर के छह तक ना, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा छे। एक ऑप्शन था जीरो, एक ऑप्शन था 0.7, एक ऑप्शन था 3, तो ये एक से छे के बीच में तो है नहीं, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा छे हो जाएगा। उसके बाद क्या कहता है ऋणावेश का प्रभाव, ऋणावेश के मतलब क्या होगा, निगेटिव चार्ज कहां से कहां फ्लो करता है, तब नहीं कुछ समाचार तो ऐसा बना लो कि ये मेरा पॉजिटिव करंट में मैं पढ़ाया था, ये पॉजिटिव है क्या निगेटिव, ये हायर पोटेंशियल है ना, पॉजिटिव है तो हायर होगा, ये निगेटिव है तो क्या होगा लोअर। अब करेंट इधर से इधर, करेंट जाएगा आगे, करेंट जाएगा कहां आगे, और इलेक्ट्रॉन उल्टा चलता था ना, अब इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां चल रहा है, लोअर से कहां हायर, यानी कि लोअर के मतलब निम्न विभव से कहां चलेगा उच्च विभव। अगर निगेटिव चार्ज कहेगा तो निम्न से कहां उच्च, अगर पॉजिटिव चार्ज कहेगा तो उच्च से कहां निम्न। आगे कहता है क्या 74 नंबर सवाल में देखेगा भाई आप, ये 74 नंबर सवाल में देखना कहता है क्या, कहता ए बिंदु बी बिंदु सी बिंदु पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, देखना ऐसा है ग्राफ, ऐसा देखना ए पॉइंट हो गया, यहां पर बी पॉइंट हो गया, यहां पर सी पॉइंट हो गया, ए वाला दूरी और ए वाला दूरी दोनों आपस में क्या है बराबर ही, लेकिन बी से दूरी क्या हो गया बड़ा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है KQ बटा कितना आर स्क्वायर। बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड दूरी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड दूरी का क्या है डायरेक्टली की इनवर्सली, इनवर्सली जब इनवर्सली है तब देखना बी पॉइंट पर दूरी क्या है सबसे ज्यादा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे क्या होगा कम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे कम कहां पर होगा बी पर, लेकिन ए पॉइंट का और सी पॉइंट का दूरी आपस में क्या है बराबर, इसलिए ए पॉइंट पर और सी पॉइंट पर, ए पॉइंट पर और सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का क्या होगा बराबर, क्योंकि KQ बटा आर दोनों का दूरी आपस में क्या है बराबर, लेकिन B पॉइंट पर बहुत ज्यादा दूरी होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कमेगा, तो कमेगा तो कमा दीजिए, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे कम, कोई ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड A बराबर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड C का और सबसे कम इलेक्ट्रिक फील्ड B पर होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका भाई। हां ये पहले से हम लोग को पता है इलेक्ट्रिक, देखना एक जनरेटर की बात करेगा, जनरेटर क्या होगा सबसे ज्यादा वोल्टेज ना 10^7 कितना 7 वोल्ट, 10^7 7 वोल्ट, उसके बाद देखना एक 72 नंबर सवाल में कह रहा है कि कहता एक विद्युत ध्रुव में दो विपरीत आवेश है, यहां पर प्लस में 3.2 × 10^-19 है और यहां पर −3.2 × 10^-19 है, अब उसका बीच का जो दूरी है वो 2.4 × 10^ कितना −10 मीटर है, तो कहता इलेक्ट्रिक डायपोल विद्युत ध्रुव निकालना, याद
इलेक्ट्रिक, यहां पर एक माइनस क्यू चार्ज था, यहां पर प्लस क्यू चार्ज था, बीच का दूरी अगर डी था तो इलेक्ट्रिक डायपोल पी बराबर कितना क्यू गुना कितना डी, तो यहां पर रख लो ना इलेक्ट्रिक डायपोल क्यू प्लस वाला लिया जाता है ना क्यू गुना डी, तो प्लस वाला प्लस में कितना है 3.2 गुना 10 पर पावर माइनस 9 और डी के जगह पर कितना 2.4 गुना 10 पर पावर माइनस 10, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप 24 × 2 = 48 है, 24 × 3 = 72, 72 × 4 = 76, अब एक अंक एक अंक दो अंक के बाद दशमलव 7.68 है, बेस से में गुना में तो पावर जुटेगा तो -19 है और -10 है तो -29। इसे स्क्रीनशॉट करना होगा तो कर लेना भाई, इलेक्ट्रिक डायपोल क्यू गुना डी। अच्छा एक चीज यहां पर आ ही गया है तो मैं आपको यह भी बता दूं, इलेक्ट्रिक डायपोल विद्युत ध्रुव जो होगा वो फार्मूला क्यू गुना क्या होगा डी, और एक कैसा क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक डायपोल मेरा वेक्टर है, वेक्टर के मतलब सदिश राशि है, अगर सदिश राशि है तो इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए, तब मैग्नीट्यूड तो क्यू गुना डी है और डायरेक्शन क्या होगा माइनस क्यू टू क्या होगा प्लस क्यू, निगेटिव चार्ज से कहां होगा पॉजिटिव चार्ज, और इसका डायमेंशन इसका यूनिट क्या होगा तक मात्रक पूछेगा, ये पूछता है मात्रक भाई, तो चार्ज का क्या होगा कूलम और डी मेरा डिस्टेंस है तो क्या होगा मीटर, इसका मात्रक क्या होगा कूलम मीटर, अगर इसका डायमेंशन पूछेगा तो चार्ज का कितना एटी और डिस्टेंस का एल, यानी कि कितना हो जाएगा एटी एल। और मैं एक और बताना चाहूंगा, इलेक्ट्रिक डायपोल विद्युत ध्रुव का एक कूलम बटा कूलम मीटर तो होवे करता ही नहीं, एक डी वाई होता है एक डी वाई होता है, याद रखे ना भाई, इलेक्ट्रिक डायपोल विद्युत ध्रुव का ए साइन मात्रा के एक तो कूलम मीटर होगा ही होगा और एक डी वाई होगा, एक डी वाई होगा, एक डी वाई होगा। चलिए आप इसे लिख लेना डी वाई को, आगे देखना 71 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, प्रतिबाधा 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 का बीमा प्रतिबाधा, तो प्रतिबाधा एक तरीका का क्या है रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस के मतलब क्या होगा प्रतिरोध है, अगर प्रतिरोध का बीमा निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे भी बराबर कितना आई आर, तो हमें यही प्रतिरोध का बीमा निकालना है तो आर बराबर भी बटा कितना आई, भी मेरा क्या है पोटेंशियल विभव है, तो विभव का क्या होगा एन एल स्क्वायर ए इनवर्स माना टी इनवर्स थ्री यही होता है, और बटा में आई मेरा अगर नहीं याद है तो आप निकाल सकते हैं कि भी बराबर क्या हो जाएगा यू बटा कितना क्यू, यू के जगह पर कितना एम एल स्क्वायर तीन वर्ष टू और क्यू के जगह पर कितना एटी, और आई मेरा करंट है तो करंट का ए लिख देंगे यानी कि कितना हो जाएगा एम एल स्क्वायर ए पर पावर कुछ नहीं तो कितना वन नीचे पॉजिटिव ऊपर निगेटिव तो माइनस में दो और टी पर पावर माइनस में कितना होगा थर्ड। उसके बाद ए गया देखना ये तो प्रतिरोध का हुआ ना, एक आ गया प्रेरित ईएमएफ है, यानी प्रेरित ईएमएफ के मतलब क्या होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ एक तरीका का पोटेंशियल विभव है ना, अगर विभव है तो विभव का डायमेंशन कितना याद रखना, ईएमएफ पूछ देता है बच्चा गड़बड़ कर देता है, ईएमएफ के मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, एक तरीका का यह फोर्स नहीं है विद्युत वाहक बल है, यानी कि एक पोटेंशियल है विभव है ना, और विभव का डायमेंशन कितना हो जाएगा एम एल स्क्वायर ए इनवर्स वन और टी इनवर्स थर्ड। उसके बाद देख लेना उसके बाद नेक्स्ट नंबर सवाल में देखिएगा, नेक्स्ट नंबर सवाल में आप लोग का कह रहा है क्या 69 नंबर सवाल में कहता है आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर, देखना आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जीरो, अंदर में ना विद्युत बल का मान क्या होगा जीरो, लेकिन विद्युत विभव का मान जीरो नहीं होगा, विद्युत विभव का मान कितना होगा के क्यू बटा आर होगा, तो क्या कह रहा
विद्युत क्षेत्र और विभव दोनों दोनों जीरो होगा? नहीं, गड़बड़ है। विभव शून्य होता है? नहीं, ये गड़बड़ है। विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विभव नहीं? हाँ ये सही है, विद्युत क्षेत्र जीरो होगा लेकिन विद्युत विभव नहीं होगा। सी हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए ना, आगे सवाल नंबर 68 में कह रहा है क्या, एक समानांतर प्लेट संधारित्र दो परावैद्युत अस्तांग के तेल में डुबाया जाता है, दोनों ये देखिएगा, दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र है, जितना से डुबाया जाएगा ना उतना से विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होगा, E बराबर KQ बटा कितना आर स्क्वायर। अगर K का मान कितना, वन, इसको या लिख सकते हैं E बराबर 1/4πε0Q बटा कितना आर स्क्वायर, लेकिन दूसरे माध्यम में डालेगा तो 1/4πε ε0 अपना ER करेगा ना तो ER, अब Q बटा कितना आर स्क्वायर। अब देखिए तो इतना के जगह पर कितना E और बटा में कितना ER, ER के मतलब रिलेटिव परमिटिविटी किस में डुबाया जाता है, दो वाला में, तो दो वाला में तो ये क्या हो जाएगा E बटा कितना 2, E बटा 2 की मतलब आधा हो जाएगा, 1/2 के समानुपाती घटेगा। क्या गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, अपनी ट्राय कर देना एक बार, आगे देखना कहता है क्या, किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा एक से बड़ा होगा ना, क्योंकि मीटर के लिए क्या होता है इनफिनाइट, नॉन मीटर के लिए एक से क्या होगा बड़ा। उसके बाद कहता है आवेश वितरण से क्या होगा, एनर्जी का क्या होगा लॉस होता है, आवेश वितरण से एनर्जी का क्या होगा लॉस होता है। उसके बाद 65 लास्ट नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि 1 μF संधारित्र के दो संधारित्र को समानांतर क्रम में, यानी कि एकक माइक्रोफराड के दो को कैसे जोड़ा गया अगे क्या सा समानांतर क्रम में। उसके बाद इनके श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता कितना का 0.5 के मतलब आधा माइक्रोफराड का ना तीसरा संधारित्र को जोड़ा जाता है तो परिणामी होगा, तब परिणामी क्या होगा बोल, एक कितना 2 हो जाएगा, तो यहां से ये दोनों समानांतर क्रम में है तो ये कितना हो जाएगा 2 μF और ये कितना हो जाएगा आधा μF। अब ये दोनों सीरीज में सीरीज में क्या होता है, ऊपर में दोनों का गुना नीचे में दोनों का जोड़, तो ऊपर में दोनों का गुना करेंगे तो 2 × 1/2 और नीचे में दोनों का जोड़ेंगे तो 2 + 1/2 को क्या लिखेंगे 5/2, 2 ने 2 को मार दिया, यानी कि कितना हो जाएगा 2 कहां चला जाएगा, ये 2 कहां चला जाएगा, अरे तो ऐसा करो ना 1/2 के मतलब 2/2 कितना 5, 2 पॉइंट कितना 5, दशमलव हटाने के लिए ऊपर कितना 10 है, 2 × 10 और 5 × 25 है, 5 × 20 है 0. कितना 4। कल का क्लास बहुत ही 64 भी है क्या 64, कहता देखना कहता है C1 + C2 ये तो आसान है ना, इसको परस्पर हटाया जाता है, ये तो बना लेगा ना यार, ये बहुत ही आसान है। कल का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंस होगा, आज लेट नहीं हो रहा है, कल का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा, इसमें तो बहुत सारा बच्चा क्वेश्चन का आंसर भी देख रहा था आंसर कर रहा था, लेकिन कल हम लोग का कल मेरा अलग से सेटिवा सवाल रहेगा, 2 घंटा पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे उसके बाद 2 घंटा सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, बाकी आप लोग का दम कल लगाना है कि कितना हम जानते हैं। आसान सवाल कोरोना के कारण सवाल इजी आएगा तो सवाल इजी ही सेट किया गया है, बस आपको रिप्लाई करते जाना है, यहाँ पर तो आंसर कितना देख के ही दे रहा था। कल आप लोग का क्लास रहेगा 10 से 2, शेयर करना ना भूलेंगे, कल लास्ट डे है।